अच्छा बच्चों, थोड़ा एक बार रिमाइंडर डालो अपने ग्रुप में कि सब आ जाओ जल्दी जल्दी। तुम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करें। बच्चों कुछ पूछना है पूछो। इस सेशन में कोई ऐसा है जिसके पास लैपटॉप पीसी नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक सोल्यूशन है कि या तो तुम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर लो, बट वो तुम प्रैक्टिस के लिए यूज कर पाओगे, और सेकेंडली कि जो आज का लेक्चर होंगे उसके तुम लोग कोशिश करो क्लास के ड्यूरिंग में नोट्स बनाओ, ताकि तुम लोग बाद में ऐसी ना भूल पाओ जब तुम इसको उस प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास के नोट्स बनाते हैं, क्योंकि जिनके पास लैपटॉप और पीसी है वो ऑन गोइंग टाइम में वो उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो मोबाइल के थ्रू, मतलब लर्न कर रहे हो। तो आज नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग को ऑनलाइन यस सर। प्लेटफॉर्म की लिंक दे दी गई थी तुम लोग के स्लॉट से, जिसने डाउट पूछा था उस वहां से लिंक ले लेना। तुम लोग के स्लॉट्स में रिस्पेक्टिव जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको एक बार नोटिफाई कर दो कि क्लास का टाइम हो चुका है, 5:45 हो चुका है, तो हमारे सीनियर्स आ रहे हैं जो कि आपकी क्लास में ही है, तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जल्दी बुला दो सबको। वरना क्लास तुम लोग ही हमारी। इंट्रो पार्ट मिस हो जाएगा तो क्लास कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंट्रो पार्ट मत मिस करो, एकदम स्क्रैच से शुरू होगा ये कोर्स। हेलो सर। हाँ बताओ भाई। हाँ सर, ये आवाज थोड़ी फस फस कर रही चैट बॉक्स में लिख दो अगर है कोई हमारे तरफ मतलब से। इशू है हेलो ऐसा। सुनो, फर्स्ट ईयर देखो, अगर ऐसा है कि तुम लोग के पास लैपटॉप नहीं है तो एक ओपन पेन नाम का एक एडिटर होता है, उसको यूज कर लो। उसकी लिंक मैं चैट सेक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आकाश बता दिया, आकाश बता दिया, तुम लोगों के रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में जा चुकी है लिंक। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में मैंने भिजवा दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके 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 उत्कर्ष, एक बार जरा मैसेज देखना। तो स्लॉट्स के ग्रुप के हैं। नहीं, अपना
बच्चों फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स को यार रिमाइंडर दे दो कि लाइक पहली क्लास है, एटलीस्ट पहले दिन तो नहीं मिस करो, है ना? ओके सर, आओ जल्दी से आओ। तो को बैठ जाऊं क्या? लिखना क्या लिखना भी पड़ेगा क्या? कॉपी भी मतलब लिख लो यार, तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नोट्स तुम्हें काम आते हैं आगे, है ना? बाकी हम प्रोवाइड तो करेंगे, हाँ सब सब ए टू जेड कंटेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस हम लोग कह रहे हैं कि गो फॉर राइटिंग थिंग्स। अच्छा बच्चों लाइक तुम्हें पता है मतलब हमारे साथ रह के ये सब करने का फायदे क्या है? जैसे तुम लोगों को हमने बताया था स्टार्टिंग में कि हमें 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ऑल, प्लस हमारे पास मतलब जो कंटेंट्स है वो प्री रेडी हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? और हम सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस नहीं कर रहे बच्चों, हम फ्रंट एंड बैक एंड सारी जगह पे फोकस कर रहे हैं कि लाइक तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दी जाए। और ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें सिखाने के बाद डेड पड़ जाएं कि लाइक चीज़ें छोड़ दी, नहीं, वो 10 दिन के बाद भी हम तुम्हें हेल्प आउट करेंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 10 दिन हो गए तो काम हो गया, नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद भी तुम्हें हेल्प किया जाएगा कि इफ़ यू आर हैविंग एनी इशूज रिगार्डिंग एनी थिंग लाइक एनी थिंग वी आर देयर टू हेल्प यू। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बुलाओ। भेज दिया सर, मैसेज आते होंगे। ओके भाई, गुड। फर्स्ट ईयर और कुछ पूछना पूछो, क्योंकि इसके बाद क्लासेस चालू हो जाएंगे तो अभी फिलहाल तुम्हारे डाउट्स नहीं, फिर एंड में डाउट क्लियर होगा। तो ऐसे कुछ और ऐसे भी कुछ मन में थॉट आ रहा हो तो पूछो, शांत नहीं बैठना है, पूछो। सर एक दोस्त बोल रहा है क्या, मतलब आवाज आवाज मुझे पता ही नहीं, उसे कुछ पता नहीं है, जीरो। हाँ चंदन सर, वो मेरा मतलब एक दोस्त बोला कि स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, लेकिन इस पे दिखाई नहीं रहा। हाँ तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। अरे तो हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो तुम्हें हम लोगों को परमिशन मिलेगी, हम लोग अभी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी डिसाइडेड नहीं, लेकिन जैसे परमिशन मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इसीलिए रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं अपने एंड से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जैसे मेरे पास लैपटॉप नहीं तो क्या मोबाइल में कोडिंग हो सकता है? हाँ, तुम्हारे उसमें बताया गया कि फॉर नाउ की मतलब एक अल्टरनेटिव नोट बताया गया कि कहाँ यूज कर सकते हो तुम, ना ग्रुप्स को चेकआउट करो। देखो हमारे पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो एट ऑनगोइंग टाइम तुम नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस वो चीजें जो तुम्हारी क्लास में चलाई जा रही होंगी, बट तुम एक काम करना, क्लास के टाइम के नोट्स बनाओ, ठीक है? वो नोट्स की प्रैक्टिस तुम बाद में कर सकते हो अपने मोबाइल में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो तुम्हारी लिंक दी गई है व्हाट्सएप में, आ गया होगा मैसेज सर किस में दिए गए हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में वो मैसेज जा चुका है, और नहीं गया होगा तो बाय द एंड ऑफ क्लास हम फिर उसको फॉरवर्ड कर। ओके सर, मोबाइल से भी तुम सर जैसे इसमें विजुअल स्टूडियो कोड दिया है उसका,
वो पीसी के लिए है सर, बच्चे सॉफ्टवेयर है ना, चैट बॉक्स पे देखो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन चैट बॉक्स पे अगर तुम सॉफ्टवेयर मतलब तुम्हारे पास लैपटॉप और पीसी नहीं है ना, तो तुम सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर पाओगे? उस अल्टरनेटिव के लिए तुम्हारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुम काम कर सकते हो। यस सर, रिजल्ट दोनों सेम देंगे तो फिर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत आएगी तो तुम लोग फ्री टू आस्क, वहां ग्रुप्स बने हैं तुम लोग के लिए इसलिए बने हैं, तो वहां अपनी क्वेरीज रख देना अगर कोई फर्दर इश्यूज आ रहे हैं। ओके सर, और पूछो बच्चों डाउट्स। सर यहाँ पे दस दिन का जो कोर्स है, हाँ भाई बोलो बच्चों पूछो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मतलब यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाएगा? यहाँ पे भाई तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें सिखाएंगी सिखाई जाएंगी, HTML, CSS, जावा, बूटस्ट्रैप, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, 10 दिन के बाद तुम्हें छोड़ नहीं दिया जाएगा, ठीक है? प्रोजेक्ट तो देंगे ही देंगे, उसके बाद फिर पर्सनल लेवल पे तुम्हें हेल्प किया जाएगा कि तुम्हारे स्किल्स को डेवलप करें। कोर्स भले 10 दिन का, बट सीनियर्स 10 दिन के लिए नहीं है, तुम्हारे ग्रुप्स एक्टिव रहेंगे, तुम्हारे डाउट्स, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आएगा, सब हेल्प होगी वहाँ पे। ओके सर, सर क्या इसके रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा? हाँ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए बच्चे तुमको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, तुम्हारी अटेंडेंस डेली काउंट होगी, और अगर तुम्हें 75% अटेंडेंस रहती है 10 दिन के ड्यूरेशन में, तो तुमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लासेस यू हैव सक्सेसफुली बीइंग वाज अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक है? और अगर तुम 10 दिन के बाद इसको परस्यू करना चाहते हो, तो तुम्हारे सीनियर सर अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए कि तुमको आगे तक पढ़ाए, उनसे कोई भी डाउट तुम सॉल्व पूछ सकते हो, वो तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सीनियर सर, सर मैं कुछ पूछ सकता हूं? हां भाई। गुड इवनिंग सर, जो हम लोग इसमें सीखेंगे, तो क्या हम लोग इसको यूज करके जो हम लोग सुनते हैं लर्निंग व्हाइल अर्निंग और इंटर्नशिप्स में क्या यूज कर सकते हैं इसको? यहीं से तो तुम्हारी अर्निंग है। हां बिल्कुल, यहीं से तो तुम्हारी अर्निंग है ये सब चीजें। तो क्या हम लोग फर्स्ट ईयर में बोलो योगी। हां बोलो बोलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते रहते हम लोग ऐसा कुछ यूज मींस इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां हम लोग अर्न कर सके फर्स्ट ईयर में? हाँ, पर उसके लिए तुमको पहले उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। उस चीज की नॉलेज तो अगर फर्स्ट ईयर में पूरी ग्रैब कर पाओ कि तुम एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाओ, तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसकी चीज के लिए तुमको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। स्टार्ट करो, इनिशिएट करो, अगर तुम अच्छे लेवल पे गए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, इवन तुम्हारे कुछ सीनियर्स भी तुमको हो सकता है इंटर्नशिप में हेल्प करें अगर उनसे कनेक्ट रहो तो। पता है तुम्हारे रोबोटिक्स क्लब के ही एक सीनियर है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही वेब डेवलपमेंट सीख के, यहीं से सीख के इंटर्नशिप की है कई जगह। थर्ड ईयर कंप्लीट होते होते उन्होंने आरसी की खुद की वेबसाइट डेवलप की है और 10 लाख के पैकेज पे मतलब उनको एक ऑफर भी। तो जो अपने बीटेक डिग्री परस्यू करते हुए उनको ऑफर आ चुका है, तो मतलब हाँ तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे इसके बाद। अच्छा बच्चों, मतलब सब जल्दी जल्दी सबको बुलाओ, ठीक है? टाइम होने पे जल्दी अपने एक बार स्टार्ट कर देंगे अपने, हाँ 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में आ जाएं जल्दी से, क्योंकि पहला दिन है, बहुत सारी चीजें बतानी, बहुत बेसिक चीजें सिखानी है, तो कोई मिस नहीं करना चाह रहा होगा, ठीक है? तो आओ जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सर। गुड इवनिंग सर, क्या ये बेसिक से स्टार्ट होगा? ये बिल्कुल जीरो स्क्रैच से सब कुछ, फ्रॉम इंस्टॉलेशन से लेके चीजें क्या होती हैं कैसे होती है सब कुछ सिखाया जाएगा, और प्लस उसके बाद तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं पहले से कुछ सर। गुड इवनिंग
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंटर्नशिप के अलावा और क्या क्या हो सकता है मतलब इस कोर्स में। देखो इंटर्नशिप के अलावा तो तुम एक चीज होता है ना कि तुम हमारे सर्टिफिकेट जब डालोगे अपने सीवी में कि लाइक हमने कोर्स किया है, हमें सर्टिफिकेट मिला है, प्रोजेक्ट्स तुम करोगे तो तुम एक फॉर डिस्प्ले तुम बता सकते हो कि अगर किसी कंपनी, मान लो तुम प्लेसमेंट का ही सोच रहे हो, अभी इंटर्नशिप नहीं सोच रहे हो, तो तुम अपने प्लेसमेंट के टाइम में बता सकते हो ना कि हमने ये किया है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट्स है। प्लस तुम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इन सब जगह पे भी ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हो, है ना? सेकेंडली बच्चे एक चीज ये देखो, तुम लोग अगर कोई वेट अगर तुम लोग कोई स्टार्टअप करते हो जैसे मान लो, तो स्टार्टअप में पहली चीज तुम लोग क्या सोचते हो कि वो कंपनी वेबसाइट पे कैसी दिखती है। तो अगर तुम लोग के पास नॉलेज होगी तो तुम लोग खुद की वेबसाइट का डिजाइन करके सोच सकते हो ना। अगर तुम्हारे पास इस चीज की नॉलेज है, मार्केट में कोई चीज आती है, तुम लोग का कोई स्टार्टअप होगा तो कोई आइडिया कैसे लगाते हो, गूगल जाते हो उस चीज को सर्च करते हो, तो पहला इंटरफेस मुझे सामने दिखता है वो चीज तुम खुद से डिजाइन की हो तो कितना बेटर रहेगा। तुम लोग पास आइडिया तो एटलीस्ट रहेगा ना कि हाँ तुम अगर ये सीख सीख रहे सीख चुके होगे तो। सर बहुत अच्छा लगेगा हाँ वही चीज है, तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज से यहाँ से ग्रैब कर लो जो तुम लोगों को फ्री अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। यस सर। तुम्हें बताया ही कि तुम्हारे सीनियर्स भी तुम्हें इंटर्नशिप्स दे देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है, यस सर। तो सीनियर्स भी तो हेल्प कर रहे हैं। हाँ बच्चे बताओ। गुड इवनिंग। जैसे मतलब हेलो हमारे पास सर। लैपटॉप नहीं है तो सर उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मतलब फिलहाल नहीं लैपटॉप नहीं फॉर है सर। नाउ। अच्छा अगर तुम्हें लैपटॉप का ऐसा इश्यू है तो मैं तुम्हें बताता अभी क्या करो। तुम्हें नोट्स ये सब तो मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये सब लिख लो, तुम्हें स्टेप्स लिख लो। तो अभी तो कुछ समय में तुम्हारे कॉलेजेस जब खुलेंगे तो तुम्हारे दोस्त तो होंगे ना, तो उनके लैपटॉप पे भी तुम कोड कर सकते हो, यस है सर। ना? तो एटलीस्ट थैंक यू सर। अभी उस चीज को सीखो, बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ कर लेना। सर अभी क्लास स्टार्ट नहीं बस हुआ है ना सर। विदिन 2 मिनट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। ओके सर। सर जो अभी आप एक व्हाट्सएप पे बताए हैं लिंक, सर उससे कैसे करना है ऑनलाइन कोड वाला? हाँ कर्ष, कुछ नहीं, उस लिंक को खोलो और उस पे तुम्हें मतलब एडिटर पढ़ा है ना, वो चीजें तुम्हें सर लोग समझाएंगे अभी। वो एडिटर पढ़ा है तुम्हें कहाँ कोड करना है। सर जैसे ओपन किए हैं इस पे लिख के आ रहा है HTML SCSS यही सब लिख के आ रहा है सर। वेब डेवलपमेंट में HTML CSS की ही कोडिंग होती है, तो जब तुम्हें HTML पढ़ाया जा रहा होगा तो तुम जहाँ पे HTML लिखा है उसको क्लिक यस करना, मैम। तो वो विंडो खुलेगी तो तुम उसमें कोड कर लेना। जब तुम्हें CSS पढ़ाया जाएगा तो तुम CSS वाले पार्ट में कोड कर लेना। ओके ये मैम, थैंक एक्चुअली वो वेब डेवलपमेंट की ही पार्ट्स होते हैं, HTML CSS JS PHP। ठीक है, तो आगे पता चलेगा, बाकी जो भी इंस्टॉलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी जाएगी। ठीक है, अब है बाकी देख लो तुम। यू। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। अबे फर्स्ट ईयर, ये ये पूछ रहे तुम्हारी थे फाइनल ईयर की मैम थी, विश कर दो एक बार तुम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रेस्पेक्टेड गुड इवनिंग सीनियर मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं भी देख रही थी कि क्लास कैसी चल रही है, मतलब तुम लोग आए हो कि नहीं आए हो। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस, जो पढ़ा रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं और जो पढ़ने हैं उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। 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 हां हां थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अबे हां थर्ड ईयर हमारे बीच में, प्रेजेंटर बना दो उनको। प्रेजेंटर बना दो। ओके ओके सर। फर्स्ट ईयर तुम्हारे विश कर दो, थर्ड ईयर से सर लोग आ गए, विश कर लो। यही आप गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी तक सर के सारे डाउट जो चल रहे थे अभी तक क्लियर हो गए हैं, वो जो छोटे मोटे जो डाउट्स थे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और सबका इंस्टॉलेशन में सर किसी की प्रॉब्लम आई है? वो भी हो गया है सबका? यस सर हो गया। हो गया ना? ठीक है चलो, फिर मतलब एक बेसिक इंट्रो दे के फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। ठीक सर। एक बात यस पूछना सर। था। हाँ हाँ पूछो।
सर ये मतलब जैसे 10 दिन का ही जब है तो 10 दिन में तो कंप्लीट तो वेब डेवलपमेंट नहीं सीख आ पाएगी कि उतने में सफिशिएंट थोड़ी हो जाए। तुमको मतलब इतना हो जाएगा कि तुम एक नॉर्मल बेसिक एप्स बना सकते हो, तो जब तुम उतना जब तुम कर लोगे तो फिर उसके बाद आगे तुमको वही चीज़ें यूज करनी है अलग अलग जगह, और थोड़ी सी उसमें एडिशनल चीज़ें जैसे जब तुम टाइम दोगे तो तुमको एडिशनल चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे तुमको पूरा एक पाथ पता चल जाएगा कि कैसे कैसे तुमको वर्क करना है, कैसे कैसे चीज़ें आगे करनी है। एंड तक आते आते हम लोग पूरा मतलब करवाएंगे कि पूरा बताएंगे कि अभी तुम क्या क्या कर सकते हो इस फील्ड में एंड क्या क्या अभी तुमको और करना चाहिए। अच्छा तुम लोग को एक बात पता चली है कि अभी तुम लोग का एक सेशन होगा हमारे एलुमिनाई के साथ? नो सर, भी नहीं पता चला सर। चल ठीक है, अभी इसके लिए तुम लोग को नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है? मतलब एक बीच में एक दिन इंटरैक्टिव सेशन रखा जाएगा, उस दिन क्लासेस नहीं चलेंगी, हमारी जो एलुमिनाई मैम है वो आएंगी, वो तुम लोग के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तुम लोग को जो जो चीज़ें पूछनी है कि इंडस्ट्री में कैसा रहता है ये सब सब उनसे तुम पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। ओके सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मायसेल्फ संस्कार श्रीवास्तव, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक थर्ड ईयर, एंड ट्विंकल मीटिंग में। हेलो जूनियर। हेलो, am I audible? Yes sir. Yes sir. I am Tumkal Sharma, CSE third year. Good evening sir. Good evening sir. कैसे हो सब लोग? सर अच्छे हैं। बढ़िया एकदम। सर फाइन। ठीक है सर। Excited हो start करने के लिए? सर very excited. Yes sir. ठीक है सर, जनरल डिस्कशन से स्टार्ट किया जाए। यस सर। एक बार इंस्टॉलेशन इन लोग को बता देते हैं। अच्छा अच्छा, इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है बता दो सर। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? नो सर। यस सर। हो गई सर। ठीक है, तो देखो पहले तो ऐसे तुम लोग नॉर्मल हम लोग को वेब डेवलपमेंट करने के लिए एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, चाहे वो तुम वीएस कोड कर लो, सबलाइम कर लो, तुम्हारा नॉर्मल नोटपैड भी वर्क करता है इसी काम पे। ठीक है, तो जैसे अभी हम नॉर्मल जैसे मैंने वीएस कोड ओपन किया उनकी साइट, तो यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इधर आ गया कि डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, तो यहाँ से बस तुमको डाउनलोड करके एंड इंस्टॉल कर लेना है, और बाकी अगर कोई ऑनलाइन प्रेफर कर रहा है तो जैसे कोडपेन पे मैंने अपना लॉगिन किया है, फिर यहाँ पे हम लोग के पास देखो वेब डेवलपमेंट में क्या क्या रहता है, HTML रहता है, CSS रहता है, JavaScript रहता है, तो यहाँ पे एक इन लोग ने दे रखा है कि यहाँ पे जो जो तुम चेंजेस करते होगे वो सीधा तुमको यहाँ पे प्रेजेंट होता रहेगा नीचे वाली स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल तुम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, अभी हम लोग VS Code यूज़ कर रहे हैं, तो VS Code जो जो अभी लैपटॉप पे कर सकते हैं तो वो साथ में अपना ओपन कर लें। फर्स्ट ईयर एक चीज और बता दे, किसी को कोई डाउट आएगा तो वो हैंड रेज करेगा सर, बीच में थोड़ा सा टाइम देंगे डाउट सॉल्व करने के लिए, तो फिर आप लोग माइक ऑन करना। ओके सर। तो नॉर्मल देखो जैसे VS Code जब ओपन करोगे तो ऐसा तुम्हारा व्यू एक आएगा। अब मान लो मेरे को ये एक फोल्डर मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ कि WebD क्लासेस नेम से। ठीक है, अब मेरे को जो भी हम काम करेंगे इसी फोल्डर के अंदर वो सारी फाइल्स रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखो जैसे यहाँ पे ये फोल्डर हम लोग को VS Code में खोलना है यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करने के लिए, तो फाइल्स पे गए, एड फोल्डर टू वर्क स्पेस, इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ से अपना डेस्कटॉप पे आए हम लोग, यहाँ पे हमारा फोल्डर है WebD क्लास, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये फोल्डर हमारा VS Code में ओपन हो गया। अब हम जो भी फाइल्स क्रिएट करेंगे, जो भी चीज़ें करेंगे वो सब एक साथ रहेंगी, तो उससे हमारा एक फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो अच्छा ट्विंकल इन लोग को एक ब्रीफ दे दो पहले WebD के बारे में, उसे फिर इधर से स्टार्ट करते हैं।
हेलो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? क्या दिख रहा है सामने? क्या दिख रहा है सामने? इंटरनेट इंटरनेट। ओके ओके बस बस। हाँ तो देखो, वेब डेवलपमेंट सीखने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट क्या होती है, क्योंकि तुम एट द एंड वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हो, ठीक है। और वेबसाइट जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वेब क्या होता है ना। अब वेब जो है, वो वेब जो है एक सबसेट है इंटरनेट का, तो इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है। तो देखो, इंटरनेट सिंपल हम कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क है सर्वर्स का, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक अगर तुम यहाँ इंडिया में बैठे हो और तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अमेरिका तक, तो कैसे करोगे? इंटरनेट। एम आई राइट? तो तुम्हारा इंटरनेट क्या करता है? ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड करता है तुम्हें। उस नेटवर्क के थ्रू तुम्हारा 1x1 सर्वर से होते हुए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जहाँ जानी चाहिए वहाँ पहुँचती है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं वेब। वेब क्या होता है? अच्छा तुम में से बताओ वेब क्या होता है, तुम लोग बताओ क्या होता है वेब। गुड इवनिंग सर। बताओ। सर अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाए तो वेब का मतलब होता है जाल सर, लेकिन एक्चुअली अगर इंटरनेट की भाषा में देखा जाए तो वेब का मतलब होता है सर कनेक्शन, जो इंटर कनेक्शन होते हैं, जो लिंक्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, उसे वेब के नाम से जानते हैं। और कोई भी बताना चाहेगा? ये तो सही था, ठीक है सर। कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, और वेबसाइट्स कैसे बनती हैं? वेब पेजेस से बनती हैं? यस सर। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन इंटरनेट। कहाँ रहती हैं? तुम्हारी इंटरनेट से ही तो प्रेजेंट रहती है, जिससे तुम एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। तो इन शॉर्ट वेब को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और वेब और इंटरनेट सेम चीज है, डिफरेंट चीज है। हाँ तो कमिंग टू द वेब, तो वेब तुम्हारा होता है एक सबसेट इंटरनेट का, जिसमें कि कुछ पेजेस होते हैं हमारे। पेजेस यानी कि जो तुम किसी लिंक को जब ओपन करते हो तो उसके बाद जो सामने दिखता है तुम्हें, उसे हम एक पेज कहते हैं। तो वेब तुम्हारा एक सबसेट है इंटरनेट का, जिसमें कुछ पेजेस रहते हैं। उन पेजेस को तुम वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक फॉर्मल लैंग्वेज में हम वेब को कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड रहते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को हम एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे तुम जब ब्राउजर में जाते हो तो एक लिंक डालते हो, वो लिंक तुम्हारा क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि तुम्हारा रिसोर्स को बताता है कि हमारा ये रिसोर्स यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे तुमने मान लो मूवी डाउनलोड करने जा रहे हो, तो मूवी तुम्हारी किसी सर्वर में कहीं पड़ी हुई है, उसका तुमने लिंक डाला डाउनलोड करने के लिए, तो वो तुम्हारा लिंक लोकेटर है, जो तुम्हें बता रहा है कि ये तुम्हारी मूवी इस सर्वर पे यहाँ पड़ी हुई है, जैसे www कुछ भी करके उसका जो तुम्हारा URL होता है, ठीक है। और ये जो पेजेस होते हैं तुम्हारे वेब के अंदर, इन पेजेस में आपस में लिंक होता है। लाइक जैसे तुमने कभी किसी वेबसाइट पर क्लिक किया, उसके बाद कहीं और पहुँच गए तुम, वहाँ से कहीं क्लिक किया फिर कहीं और पहुँच गए, और ऐसा हो सकता है कि वहाँ से तुमने होम पे क्लिक किया फिर वापस वहीं आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ये सब आपस में हाइपरलिंक क्रिएट होता है इनका, मतलब तुम एक के बाद एक किसी पे भी जा सकते हो, ठीक है। कितना क्लियर है? यस सर। शुड आई रिपीट? यस सर। ओके देन फाइन। हाँ तो अब ये तो हो गए तुम्हारे रिसोर्सेज। अब ये तुम्हारे रिसोर्सेज जो अभी तक हैं सिर्फ सर्वर पर ही हैं, तुम्हारे पास नहीं आए हैं, सर्वर पर हैं या इंटरनेट पर हैं, ठीक है। अब इन्हें एक्सेस करने के लिए तुम्हारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनमें से एक होता है HTTP। सुना होगा तुमने शायद, जब लिंक तुम डालते हो ब्राउजर में तो वहाँ स्टार्टिंग में देखना HTTP या HTTPS लिखा होता है। हाँ तो वो HTTP क्या है? वो तुम्हारा HTTP एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स का मतलब है कि एक काइंड ऑफ डेटा, समथिंग डेटा है, कुछ भी कह सकते हैं रिसोर्स के लिए। तो वो रिसोर्स तुम्हारा जो वेब पे अभी तक पड़ा हुआ है, वो तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू तुम्हारे पास आता है, समझे। तो और ये तुम्हारे लाने का काम कौन करता है? वेब ब्राउजर। सो प्लीज एक्सक्यूज मी सर, सो प्लीज रिपीट इट अगेन।
ओके ओके श्योर श्योर स्टार्टिंग से वेब से या फिर ये जो HTTP के बारे में बताया वहां से नहीं जो अभी जो आपने HTTPS के बारे में जो बताया हां श्योर देखो तुम्हारा कोई रिसोर्सेज हैं रिसोर्सेज यानी कि कुछ भी हो सकते हैं पेज हो सकते हैं तुम्हारे रिसोर्स तुम्हारा इमेज हो सकता है रिसोर्स तुम्हारा कोई MP4 फाइल हो सकती है वीडियो हो सकती है कुछ भी अब वो रिसोर्स अगर तुम्हारे किसी एक सर्वर पे पड़े हुए हैं अभी तक लाइक वेब में जिसे हम वेब बोलते हैं तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे हम एक्सेस करने के लिए कुछ ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं ट्रांसफर कि किस तरह से हम ट्रांसफर करने वाले उन्हें ठीक है उनमें से एक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ओके इसे तुम देख भी सकते हो अपने ब्राउजर में जब कोई लिंक तुम डालते हो तो स्टार्टिंग में HTTP या HTTPS फिर कुछ स्लैश करके कुछ लिंक होता है उसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी रिसोर्स तुम सर्वर से फेच कर रहे हो ब्राउजर में अपने वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू तुम्हारे ब्राउजर में आ रहा है ओके देन आगे बढ़े यस सर क्लियर है यस सर अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा और क्लियर होता जाएगा ठीक है तो ये तुम्हारा ये जो जितना भी काम होता है रिसोर्सेस को फेच करके लाना और तुम्हें दिखाना ये सब करता है तुम्हारा ब्राउजर ठीक है हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डेवलपमेंट जो हम वेब डेवलपमेंट पे डिस्कशन कर रहे थे अभी तो वेब के बारे में तो बता दिया क्या होता है वेब क्लियर है ना यस सर वेब होता है कुछ रिसोर्सेस का कलेक्शन जिसमें कुछ पेजेस होते हैं उन पेजेस को HTTP के थ्रू ब्राउजर में लाते हैं ब्राउजर तुम्हें शो करता है ठीक है ये होता है वेब अब अगला आता है तुम्हारा डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कोई बताना चाहेगा शॉर्ट में सर एक्चुअली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सर कोई भी वेब पेज जो है उसको डिजाइन करके और उसके बैकएंड से अपने हिसाब से उस वेबसाइट से काम करना दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट सपोर्ट टाइप सर काफी ठीक है तो अगर कंप्यूटर साइंस के उसमें देखें एस्पेक्ट में तो डेवलपमेंट तुम्हारा होता है कुछ एक प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी वेबसाइट को या किसी कुछ भी हो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं वेबसाइट की वेब डेवलपमेंट की सिर्फ वेबसाइट की ही बात करेंगे लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ वेबसाइट्स के लिए ही नहीं होता है उसके अलावा काफ़ी चीज़ों के लिए होता है ठीक है तो डेवलपमेंट एक तुम्हारी प्रोसेस है प्रोसेस तो जानते ही हो क्या होता है कुछ काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से हम कर रहे हैं उसे प्रोसेस कहते हैं तो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स को उसे डिज़ाइन करते हैं फिर उसे डिप्लॉय करते हैं डिप्लॉय का मतलब कोई वेबसाइट तुम्हारे लैपटॉप में है जिसे तुम सिर्फ तुम देख सकते हो तो डिप्लॉय का मतलब है कि उसे अब तुम्हारे अलावा कोई और भी इंटरनेट से देख सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल amazon.com है अब ये amazon.com किसी ने तो बनाई होगी अपने लैपटॉप में लेकिन तुम कैसे देख पा रहे हो क्योंकि उसने पहले क्रिएट किया फिर डिज़ाइन किया उसे और डिज़ाइन करने के साथ साथ डिप्लॉय भी किया इंटरनेट पे जिसकी वजह से तुम यहाँ से बैठ के देख पा रहे हो वरना ये amazon.com किसी ने बनाई होगी तो अपने लैपटॉप में बनाई होगी सिर्फ वही देख पा रहा होगा उस टाइम तक ठीक है तो डेवलपमेंट क्लियर है डेवलपमेंट तुम्हारा प्रोसेस है किसी हाँ पूछो कोई वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे है प्लीज हाँ कोई भी वेबसाइट है या कोई भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है तुम्हारे पास जो कि सिर्फ तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे है ठीक है तो अगर तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे है तो कोई और उसे कैसे देख सकता है क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे हार्ड डिस्क में है लैपटॉप पे कोई और कैसे देखेगा उसे उसके लिए तुम्हें किसी तरह से उस रिसोर्स को या उस वेबसाइट को उस चीज़ को तुम्हें किसी ऐसी जगह अवेलेबल कराना होगा जो कि तुम भी उसे देख सको क्रिएट कर सको वहाँ पे और उसी जगह से कोई और फैच कर सके तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट तो तुमने इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिया उसे अपनी वेबसाइट को अपने लैपटॉप से अब वहाँ से कोई और आदमी देख सकता है उसे उसका लिंक URL डाल के तो इस प्रोसेस को ही डिप्लॉय करना कहते हैं इसे तुम आगे देखोगे तो समझ जाओगे लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि पहले हम क्रिएट करते हैं फिर डिज़ाइन करते हैं उसे
और उसके बाद डिप्लॉय कर लेते हैं इंटरनेट पे, जिससे कि कोई और भी देख सके उसे, ठीक है? ओके सर। ओके, अच्छा तो ये सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर तुम्हारा एक सिंपल कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कुछ लाइंस ऑफ प्रोग्राम होती हैं, जैसे कि किसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, कि यूज़र ने अगर यहाँ क्लिक किया तो क्या करना है, और यूज़र ने अगर अपना नाम एंटर किया उसका सबमिट किया तो क्या करना है, ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का ही मतलब एक सबसेट है वेबसाइट। तो वेबसाइट को मतलब वही कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ होंगे उसमें, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ओके देन आगे बढ़े। यस सर। तो हमने वेब को समझ लिया, वेब क्या होता है, डेवलपमेंट समझ लिया, डेवलपमेंट क्या होता है। अब अगर हम वेब डेवलपमेंट को कंबाइन करें तो ये क्या होता है, तो यही देखो सामने तुम पढ़ सकते हो लिखा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट जो है हम उसे रेफर करते हैं कि एक वेबसाइट को बिल्ड करना, बिल्ड मतलब बनाना, वही क्रिएट करना, वही मतलब जैसे तुम HTML, CSS वगैरह ये सब करके, ये सब आगे पढ़ाया जाएगा तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना, ठीक है? और एक बार जब वेबसाइट बन गई तो बनाने के बाद उसे मेंटेन भी तो करना होगा ना, क्योंकि बना तो दिया, उसमें कोई आगे प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आगे कोई फीचर तुम्हें ऐड करना है, तो उसे मेंटेन भी करना होगा। तो ये जो वेब डेवलपमेंट है तुम्हारे रेफर करते हैं इसे कि एक वेबसाइट के बिल्डिंग, क्रिएटिंग और ये सब से लेके मेंटेनिंग, मेंटेन करने तक का जो भी प्रोसेस होता है उसे वेब डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि तुम सीखने वाले हो अब आने वाली 10 या 15 क्लासेस जो भी होने वाली हैं। तो इतना क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आई एम आर्डिपन। हाँ पूछो। सर 10-15 दिन में CSS और HTML दो सब हो जाएंगे कि केवल HTML होगा? नहीं नहीं, देखो अगर तुम ऐसे कहना चाहो कि HTML, जैसे तुमने HTML को ले लिया, या किसी भी एक टेक्नोलॉजी या किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी चीज़ के लिए तुम सीखने की बात कर रहे हो कि तो 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। लेकिन हाँ, 10 दिन में हम इतना कर सकते हैं कि तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, तुम्हें एक पाथ मिल जाए कि हाँ अब हमने थोड़ा सीख लिया है, अब हम खुद से अगर एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो इस वे में बढ़ते हुए मतलब एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो ये तो कुछ फिक्स नहीं होता कि 10 दिन में तुम सीख ही जाओगे 10 दिन बाद, या 5 दिन में CSS सीख ही लोगे, बेसिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। सर प्लीज आप कंटिन्यू करिए, बीच में कौन पूछ रहा है? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई जाएंगी तुम लोगों को, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर तुम उसे सीखने के लिए इस तरह से तुम नहीं कह सकते कि 10 दिन में हो सकता है या 15 दिन में या 20 दिन में या 25 दिन में, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि HTML छोटा नहीं है ना ही CSS छोटा है, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि जो भी फ्रीक्वेंटली यूज चीज़ें होती हैं, जो भी एक बेसिक वेबसाइट बनाने में किस तरह से हम बना सकते हैं, इतना तुम्हें सिखाया जा सकता है 10 दिन में। और एक बार जब तुम ये सीख गए उसके बाद तुम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी कुछ, समझ रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़े। अभी तुम्हारा सिर्फ पहला दिन है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें सब समझ में आने लगेगा कि वेबसाइट क्या होती है, कैसे करेंगे, कैसे हमें क्या करना है, आगे सब समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आता है वाई वेब डेवलपमेंट। हाँ पूछो सर। सर मोबाइल से कर सकते हो क्या? मोबाइल से कर सकते हैं कोडिंग इसका? मोबाइल से कोडिंग करना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि लेकिन हाँ मोबाइल से तुम इतना कर सकते हो कि किसी और को कोडिंग करते हुए देख सको, जैसे अभी तुम देख रहे हो, या फिर तुम्हें बाद में कोई कोर्स करना है एडवांस तो तुम देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें लैपटॉप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। सर तो 1 महीने बाद खरीदना है तो सर तब तक मोबाइल से हो सकता है? तब तक तो मोबाइल से देख सकते हो कि और लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे ये काम होता है, तो तुम उसके बाद जब तुम्हें मिलेगा लैपटॉप तो तुम अच्छे से कर पाओगे, उस टाइम पे यूटिलाइज करने के लिए बस इतना ही कर सकते हो। ओके सर, थैंक। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। वाई वेब डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट? तो सबसे पहली चीज डिमांड। वेब डेवलपर्स की डिमांड काफ़ी टाइम से बढ़ती आई है और बढ़ती रहेगी, और काफ़ी डिमांड है मार्केट में। लाइक अगर तुम जॉब वगैरह सर्च करोगे तो वेब डेवलपर की जॉब तुम्हें काफ़ी मिल जाएंगी, और अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी जॉब सर्च करते हो तो उसमें भी काफ़ी जगह तुम्हें वेब डेवलपमेंट का ही काम करवाया जाएगा। और
उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग तुम्हारी अर्निंग्स वगैरह वही सब, तो ये रीज़न है एक। तो सेकेंड रीज़न ये कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मान लो, तो उसके लिए एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, लाइक कि ऐप बना दिया जाए उसका एक, ठीक है, कोई सेकंड पर्सन आए प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करे, तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है, तुमने सर्वर से डाल दी, अब वहाँ से उस यूज़र ने इन्फॉर्मेशन देख ली। लेकिन ये कितना लॉन्ग प्रोसीजर है कि तुमने ऐप इंस्टॉल किया पहले, उसके बाद उसमें तुम देख रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें वेबसाइट की, तुम्हें क्या करना होता है, सिंपल एक लिंक होता है तुम्हारे पास, लिंक तुमने लिया ब्राउज़र में पेस्ट किया और तुम्हें जो चाहिए, जो पेज चाहिए या फिर जो भी वेबसाइट चाहिए वो तुम्हें मिल गई। तो ये इतना ईजी है इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एक लिंक तुम्हें ब्राउज़र में जाकर डालना है, बाकी सब काम तुम्हारा ब्राउज़र का है। ठीक है, एम आई क्लियर? सो एक और रीजन तुम्हारा वेब डेवलपमेंट सीखने का ये हो सकता है कि ये काफी क्रिएटिविटी है इसमें, लाइक तुम अगर पहले दिन कुछ बनाने जाओगे HTML पे CSS पे, तो तुम देखो काफी हम मतलब कुछ इस तरह से कर पा रहे हैं कुछ नया, लाइक तुम कुछ बना रहे हो, कुछ कोड लिख रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा ब्राउजर में कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो इसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखाई देती है, तो इसमें तुम्हें धीरे धीरे मजा आने लगेगा। तो वही वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस पूरा जो भी है काफी क्रिएटिव है और काफी फनी है, तो तुम कभी बोर नहीं होगे इस प्रोसेस में। नेक्स्ट तुम्हारा ये जो भी टेक कंपनीज होती हैं, लाइक कोई भी कंपनी ले लो तुम, अमेजन ले लो या TCS ले लो या कोई भी कंपनी है, तो वो या तो अपनी कोई सर्विस या अपना कोई प्रोडक्ट, लाइक अगर हम अमेजन की बात करें तो वो अपना प्रोडक्ट बेचती है वेबसाइट पे। तुम लोग जाते हो क्रोम से कुछ वेबसाइट पे, तुमने amazon.com डाला, उसके आगे कुछ तुम्हें शूज़ खरीदने हैं, कुछ खरीदना है, तो तुम वो प्रोडक्ट वहाँ से तुम ले रहे हो। और लेट्स से कोई और कंपनी है कोई दूसरी जो कि प्रोडक्ट नहीं देती लेकिन कोई सर्विस देती है, सर्विस और प्रोडक्ट में डिफरेंस तो पता ही होगा बेसिक। यस सर। हाँ तो बस। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब, बताने का मतलब इसका ये है कि कंपनीज जो होती हैं वो या तो अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस एटसेट्रा ये सब अपने सेल करती हैं वेबसाइट्स पे या उसके थ्रू कस्टमर से इंटरेक्ट करती हैं। तो एक ये रीज़न है कि इसीलिए वेबसाइट्स का इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब है कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो इंडस्ट्री है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वही यूज़ करें। तो लाइक लेट्स से तुम अगर कोई कंपनी है तुम्हारे पास, ठीक है, अब वहाँ तुम्हारा कुछ काम करना है, तुम्हें मान लो कुछ यूज़र्स तुम्हारे यहाँ रोज आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, कुछ उन क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन तुम्हें रखनी है अपने पास। अब या तो तुम ये करो कि एक रजिस्टर लेके बैठो, उसमें नाम लिखो उसका, सब कुछ करो, उसके बाद तुम्हें कुछ सर्च करना है उस यूज़र के लिए तो तुम उसके रजिस्टर खोल के पेज पलट के देखो, या फिर तुम ये कर सकते हो कि एक वेबसाइट बनाई, उसमें कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी ऐड की जिसमें कि तुम यूज़र को ऐड कर सको, यूज़र को सर्च कर सको, ये सब। तो वेबसाइट तुम्हारा क्या करते हैं कि वेबसाइट में या फिर वेब एप्लीकेशन में तुम किसी एक एंटरप्राइज में अगर वो वेबसाइट चल रही तो उसमें कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो जिससे कि वो उस बिजनेस का काम थोड़ा सिंपल हो जाए। तो एक ये भी रीज़न है वेब डेवलपमेंट की पॉपुलरिटी का कि तुम वेब एप्लीकेशंस बना के एंटरप्राइज के किसी काम को सिंपल कर सकते हो, इसलिए इसकी और ज़्यादा पॉपुलरिटी है। ठीक है, अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, या किसी को कुछ पॉइंट पता हो कि इसके अलावा भी वेब डेवलपमेंट का क्या तुम्हारा यूज़ है या फिर क्या कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। किसी को बोलना है कुछ? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, सामने क्या दिख रहा है कुछ जरा बोलो, बताओ सब लोग। फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में बता जा रहा है। हाँ, तो अब हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे, पूछो। कौन पूछ रहा है? सर, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग में क्या अंतर होगा? मतलब कोडिंग भी मतलब बाकी सब कुछ है। अभी बता रहे हैं, अभी जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखो, वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि तुम्हारा एक वेबसाइट बनके तैयार हो रही है, ठीक है ना। और कोडिंग का मतलब है कि तुम सिर्फ एक कोड है जो कि कहीं लिख दे रहे हो। उस कोडिंग का क्या मतलब है
कैसे क्या रीजन है, क्या पर्पस है लिखने का, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ एक कोड है, तुमने लिख दिया, उसी प्रोसेस को तुम कोडिंग कह सकते हो। और जब उसी कोडिंग से तुम एक वेबसाइट बना ले रहे हो तो उसे वेब डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है ना? ओके सर। अभी वेब डेवलपमेंट अभी कोडिंग के थ्रू समझाया जाएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है? वैसे बेसिक डिफरेंस यही है कि कोडिंग का मतलब है सिर्फ तुम कोड, तुमने कुछ कोड लिखा बस हो गई कोडिंग। तुमने कुछ कोड लिखा और उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें एक वेबसाइट मिल गई या वेबसाइट बना दी तुमने, तो उसे कहेंगे वेब डेवलपमेंट। आई थिंक यही तुम्हारा डाउट था ना? यस सर। ओके चलो आगे क्लियर कर लेना, और भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब वेब डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा डिस्कशन इस पर भी जरूरी है, लाइक फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। तो फ्रंट एंड में जैसे तुम देख सकते हो, तुम्हें एक मॉनिटर दिख रहा होगा सामने, मॉनिटर या डिस्प्ले कुछ भी कह सकते हो उसे। तो फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड का सिंपल मतलब ये है कि हम फ्रंट एंड उसे बोलते हैं जो कि यूजर को या फिर क्लाइंट को या फिर जो भी वेबसाइट को यूज कर रहा है उससे जो सामने दिख रहा है वो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है? वैसे भी नॉर्मल ये तुम्हारा वर्ड है कि फ्रंट एंड बैक एंड, तो उससे तुम थोड़ा अंदाज लगा सकते हो कि फ्रंट एंड क्या होने वाला है, ठीक है? अब बैक एंड तुम्हारा ये होता है कि अगर तुम्हारा फ्रंट एंड पे कोई डेटा है, ठीक है, तो वो डेटा कहाँ से आया, कोई बता सकता है डेटा कहाँ से आया फ्रंट एंड पे? सर यूजर उसमें डालता है जो भी डेटा। जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था वेब के बारे में, उस वक्त हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो फ्रंट एंड में जो भी डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा ठीक है, चलो मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है? तुमने URL लिया, एक URL जानते ही होगे सब लोग, www.xyz.com URL लिया तुमने, ब्राउजर में डाला, तुमने जो इन्फॉर्मेशन लेके। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? यस सर आपकी सही है। अच्छा मेरी ठीक आ रही है। नीरज की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा चलो नीरज कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, बता देना, ठीक है? हाँ तो फ्रंट एंड में डेटा तुम्हारा आता है, तुमने एक URL लिया, ब्राउजर में डाला, ब्राउजर ने अब वो डेटा मंगाया, लेकिन कहाँ से मंगाया? कहीं ना कहीं सर्वर से मंगाया, किसी सर्वर से इंटरनेट के थ्रू। अब वो सर्वर क्या कर रहा है? सर्वर तुम्हें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्वर क्या है? सर्वर तुम्हारा बैकएंड है। उस बैकएंड पे तुम गए URL लेके, मतलब तुम्हारा URL गया ब्राउजर के थ्रू, उस बैकएंड ने कुछ डेटा प्रोवाइड किया, वो डेटा वापस ब्राउजर के पास आया, ठीक है? ब्राउजर ने तुम्हें फ्रंट एंड दिखा दिया, ठीक है? तो ये तुम्हारा फ्रंट एंड है, और जिसकी वजह से तुम फ्रंट एंड देख पा रहे हो वो तुम्हारा बैक एंड है, ठीक है? अब फ्रंट एंड में हम किस किस चीज़ की बात करते हैं? फ्रंट एंड में हम ये सामने लिखा हुआ भी है कि हम HTML की बात करते हैं, CSS की बात करते हैं, और कुछ रिक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। ये सब एडवांस टॉपिक हैं, ये बाद में सीखोगे, ठीक है? और बैक एंड में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे JavaScript हो गई, Python हो गई, सब एडवांस चीज़ें हैं। डेटाबेस की बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे डेटा तुम्हारा स्टोर हो रहा है वेबसाइट पे, सर्वर पे, ठीक है, कैसे डेटा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, इन सब की बात करते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, इसके आगे तुम्हें और भी कुछ सीखने को मिलेगा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। हाँ तो एक फॉर्मल डेफिनेशन और देख लीजिए फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ अ वेबसाइट। ग्राफिकल का मतलब समझते हो, कुछ ऐसे कुछ दिख रहा है तुम्हें, ग्राफिक्स जो सामने तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है? और फ्रंट एंड को हम क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं HTML, CSS, JavaScript, जिसमें कि HTML, CSS इसके बारे में तुम्हें बताया जाएगा आगे, ठीक है? और फ्रंट एंड का यूज हम करते हैं सो दैट यूजर्स कैन व्यू एंड इंटरेक्ट विद दैट वेबसाइट, ठीक है? उस वेबसाइट से यूजर इंटरेक्ट कर सकें, उसे उसमें कुछ अगर तुमने मैनिपुलेशन करना है तो वो कर सकें, देख सकें, इसके लिए फ्रंट एंड का यूज होता है, ठीक है? बैक एंड
तो बैकएंड डेवलपमेंट तुम्हारा फोकस करता है कि कैसे तुम्हारा डेटा जो है स्टोर हो रहा है, कैसे तुम्हारी वेबसाइट वर्क कर रही है उसकी फंक्शनैलिटी पे, ठीक है। इट स्टोर्स एंड अरेंजेस डेटा एंड आल्सो मेक श्योर एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट्स वर्क फाइन। मतलब कि ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, और ये मेक श्योर करता है कि जो भी तुम्हें फ्रंट एंड पे जो भी डेटा प्रोवाइड कराना है वो हम सही से प्रोवाइड कराएं और क्लाइंट को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ठीक से उसे मिल सके, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि लिखी हुई सामने, यू कांट सी एंड इंटरेक्ट विद दिस पार्ट ऑफ वेबसाइट। लाइक जो तुम्हारा फ्रंट एंड होता है, ठीक है, उसका जो भी डेटा है तुम्हारे पास ब्राउजर में आ चुका है, लेकिन जो बैक एंड है उसका कुछ भी तुम्हारे तुम उसे ना ही देख सकते हो ना ही कुछ उस पर उसे इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा सर्वर के पास है सिर्फ, और सर्वर तुम्हारे पास नहीं है। सर्वर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम किसी एक वेबसाइट का एग्जांपल ले लो, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो फ्रंट एंड है वो तुमने URL डाल के अपने ब्राउजर में फेच करवा लिया, तुम्हारे ब्राउजर में क्या है, फ्लिपकार्ट का फ्रंट एंड, लेकिन फ्लिपकार्ट का बैक एंड क्या है, वो फ्लिपकार्ट के जहाँ सर्वर रखे हुए हैं उन सर्वर के पास है, जो तुम ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो ना ही इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन फ्रंट एंड तुम्हारे ब्राउजर में आ चुका है, उसे तुम सब कुछ कर सकते हो, इंटरेक्ट और चेंज वगैरह जो कुछ करना है तुम्हें कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है फ्रंट एंड और बैक एंड में। कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। नो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। क्या फ्रंट, क्या रिपीट करना, फ्रंट एंड बैक एंड? यस सर। ओके ओके श्योर। देखो फ्रंट एंड तुम्हारा क्या है, जो तुम्हें दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, जब तुम URL डालते हो, जो भी तुम्हारे पास URL तो जानते ही हो, लिंक, जो तुम लिंक डालते हो ब्राउजर में। यस सर। ठीक है, उस लिंक को डालने के बाद जो तुम्हें डेटा दिखाई देता है फ्रंट एंड में, जो तुम्हें डेटा डिस्प्ले पे दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। अभी ये जो डेटा आया अभी कहीं से तो आया है, तो तुमने जब URL डाला उस URL के करस्पॉन्डिंग एक लोकेशन होगी, ठीक है, उस लोकेशन पे एक सर्वर होगा, वो सर्वर वहाँ से कुछ डेटा भेज रहा होगा, तो उस सर्वर को ही हम बैकएंड कहते हैं, जो कि डेटा भेजता है हमारा, ठीक है। यस सर, समझ गए ना कि क्या क्या होता है, कैसा डिफरेंस है? यस सर। नो सर, नो सर। ठीक है, तो इसके आगे अब संस्कार सर तुम्हें बताएंगे कोड, ये कैसे कोड करना है हमें, कैसे क्या HTML CSS क्या होता है। हाँ पूछूंगा बोलो सर, ये पूछना चाहते हैं कि हम कि जो हम लोग सर्च करते हैं ये सारी सेफ होती हैं? सर्च करते हो मतलब, मतलब कैसे, कोई भी URL डाला मैंने गूगल पे, हाँ ठीक है, तो सर जो हमारा डाटा खुल के आता है उस पे पेज, वो सारी चीजें कहाँ सेफ होती हैं, किस जगह पे सेफ होती हैं? ठीक है, ठीक है, URL डाला तुमने, ठीक है, उस URL के करस्पॉन्डिंग एक तुम्हारा एक लोकेशन होगी, उसका URL की फुलफॉर्म ही ये होती है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लोकेटर का मतलब तुम्हारी उसकी एक लोकेशन होगी उस URL की, फिजिकल लोकेशन जहाँ तुम्हारा सर्वर रखे होंगे, ठीक है। जैसे तुम अगर बात करो, लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं गूगल का, तो गूगल के पास बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, जैसे अगर तुम अभी कभी देखो सर्च करके तुम्हें पता चलेगा कि बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े मैग्नेटिक टेप रखे होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो इस तरह से जो भी वेब एप्लीकेशंस होते हैं अपना डेटा किसी एक सर्वर पे स्टोर करवाते हैं। अब वो सर्वर तुम्हारा गूगल का हो सकता है, वो सर्वर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, वो सर्वर तुम्हारा अमेजन का हो सकता है, और भी काफ़ी सर्वर की तुम्हारी ये सर्वर रेंडरिंग है, इनके बारे में तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे वो तुम्हारा सर्वर में डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही तुम URL डालते हो वो डेटा तुम्हारा नेटवर्क के थ्रू तुम्हारे पास आता है, समझे ना? यस सर, यस सर। सर्वर का मतलब यही है, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारे लैपटॉप में कोई हार्ड डिस्क है, ठीक है, ऐसी ही बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क तुम्हारे लगी होती हैं कहीं सर्वर में, जैसे गूगल का सर्वर है तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क लगी होंगी, लाइक लेट्स से पूरे रूम के बराबर कोई हार्ड डिस्क होगी इस तरह से। तो डेटा स्टोर तुम्हारा एट द एंड कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में ही हो रहा है, किसी डिफरेंट टाइप की हार्ड डिस्क में हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं हो रहा है, कहीं और किसी सर्वर पे हो रहा है, समझ गए ना? तो वहां से तुम्हारे पास डेटा आता है, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, तो अब इसके आगे तुम्हें पढ़ना है HTML CSS etc ये सब, ठीक है। तो इसके आगे तुम्हें संस्कार सर बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर। श्योर। यस सर। यस। आई एम ऑडिबल।
यस सर यस सर एक सेकंड मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार बताना अगर विजिबल है तो यस सर विजिबल यस सर विजिबल अभी तुम लोग ने पूरा बेसिक्स मतलब थ्योरी थ्योरी तुम लोग को समझ में आ गया ठीक है। अब हम लोग थोड़ा मतलब एक एग्जांपल्स कर करके दिखाते हैं कि कैसे मतलब क्या क्या चीजें वर्क करती हैं ठीक। तो जैसे अभी जब तुम लोग को इंस्टॉलेशन बताया था तो यहाँ पे एक वेबडी फोल्डर क्रिएट करवाया था याद को, तो इसमें हम अभी स्टार्ट करते हैं HTML से ठीक है। HTML का किसी का फुल फॉर्म पता है पहले तो ये बताओ। ठीक है और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .html भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटर। तो हम लोग मान लो इसको एक कोई नेम देके .html एक्सटेंशन के साथ इसको हम लोग सेव कर रहे हैं ठीक है। तो देखो एक HTML फाइल हमारे पास अभी क्रिएट हो गई है। अब HTML फाइल का हम लोग जैसे इसका मेन पैटर्न ऐसा होता है देखो जैसे ये है कि सबसे पहले हमारा HTML टैग एक ओपन है। HTML में मेन होता है अपने टैग्स जैसे HTML है तो ये मेन वर्क करती है टैग्स पे ठीक है। टैग मतलब जैसे ये लिखा है HTML और ये HTML का क्लोजिंग टैग मतलब HTML जो है बेसिक कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी सारे टैग्स का प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं ये इनके अकॉर्डिंग तुम्हारा वर्क करता है वेबसाइट। जैसे मान लो सबसे पहला तुम्हारा टैग होता है HTML का टैग ठीक है। इसके अंदर तुम्हारा होता है हेड का टैग ये देखो हेड दिख रहा है ये तुम लोग को ये पार्ट यस सर और इसके अंदर आता है बॉडी टैग। तो मेन ये अभी समझ लो जैसे सबसे पहले आता है HTML पे हेड होता है। हेड मतलब ये जैसे अभी पेज अभी तुमको शो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये हेड होता है उसका एंड ये उसका बॉडी होता है। बॉडी ये होता है कि जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है जैसे एक सेकंड रुकना शो करते हैं। जैसे हम लोग मान लो अपने कॉलेज की वेबसाइट ओपन करते हैं ठीक। तो ऐसे ये देखो ये कॉलेज की हमारी वेबसाइट ओपन होगी। अब जैसे कोई भी तुम पेज पे आओगे तो तुम्हारे पास एज अ डेवलपर एक ऑप्शन होता है पेज का कोड देखने का और वो होता है राइट क्लिक किया तुमने यहाँ पे देखो एक व्यू पेज सोर्स का एक ऑप्शन है तुम्हारे पास ठीक है। जब तुम इसको ओपन करोगे तो फिर तुम्हारे पास ये देखो पूरा वेबसाइट का कोड है तुम्हारे पास ये या मैं पूरे देखो पूरे कॉलेज की वेबसाइट का पूरा कोड है ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा टैग ओपन हुआ है हेलो यस सर जी सर सबसे पहले कौन सा टैग ओपन हुआ दिख रहा है इसमें HTML टैग सर HTML HTML और उसके अंदर ये कौन सा टैग है हेड टैग सबसे पहले HTML आया फिर हेड आया एंड उसके अंदर आया बॉडी तुम्हारा ठीक है। और इसी ऑर्डर में मतलब HTML का ये एक ऑर्डर होता है कि जैसे जो टैग ओपन होता है लेटेस्ट में मतलब हमारा जो टैग ओपन हुआ पहले वही टैग बंद होता है। जैसे देखो हेड के अंदर टाइटल टैग ओपन हुआ तो टाइटल टैग फिर बंद हो गया सब पहले टाइटल टैग बंद हुआ फिर हेड टैग बंद हुआ ये एक HTML का एक पैटर्न होता है। तो एक बेसिक कोड जैसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड ठीक है ये अभी मैंने लिख के फाइल सेव की ठीक। तो ये हमारे एक HTML का बेसिक कोड मान लो ये है ठीक। जैसे अभी ये देखो HTML की मेरी क्लास यहाँ ये वाली फाइल यहाँ पड़ी है ठीक। इसको मैं ओपन विद क्रोम करते हूँ एक इस फाइल को जैसे जब तुम लोग क्रिएट करोगे तो अपने किसी भी वेब ब्राउजर में खोलना तुम्हारा ये फिर जो भी वेबसाइट का जो तुमने लिखा है ये देखो जैसे बॉडी में मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था यहाँ हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है देख रहा है यस सर। अच्छा एक को ये बता सकता है टाइटल किस लिए होता है कोई बता सकता है
पेज का टाइटल देने के लिए सर, ब्राउजर के टाइटल देने के लिए सर योग देते हैं जीबी वाला टाइटल टैग के अंदर लिखा होता है सर, एक एक सर हेडिंग देने हेडिंग कहां पे आती है, वो हेडिंग कहां विजिबल होती है टैब के टैब पर सर, मिडिल में करना है कि टॉप मिडिल में भी कर सकते हैं उसको, राइट में लेफ्ट में भी टाइटल होता है उसमें यहाँ, ये जो लिख के आ रहा है जो टैब के ऊपर, ये होती है हमारी हेडिंग। जैसे ये है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मान लो हमने चेंज कर दिया इसको, डे वन कर दिया हमने, ठीक है, और फाइल सेव कर दी। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो यहाँ पे डे वन आ गया, ठीक है। ये होता है टाइटल हमारा, यहाँ पे ये जो हेड पार्ट होता है ये मेन होता है हमारा टाइटल के लिए, और जो जैसे हम जो बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम कहीं और से अपने पेज पे हमको वो चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, तो वो हम लिंक्स के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक। तो वो लिंक्स हम यहाँ इस हेड पार्ट में अपना वहाँ पे सारी डिटेल देते हैं उनकी। अब जैसे अब HTML से देखो, इतना बेसिक ये होता है HTML का स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें आते हैं तुम्हारे हेडिंग टैग्स। हेडिंग से क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? टेक्स्ट साइज, हेडिंग साइज में। ठीक है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? सर हेडिंग है, हेडिंग तो हेडिंग ही है। हेडर बनता है सर इसे, हेडर। सर हेडिंग और सब हेडिंग्स देने के लिए यूज होता है। सब हेडिंग्स के लिए मेन। देखो तो उसके लिए HTML में कुछ ये साइज डिफाइंड है अपने पास, जैसे H1 से लेके H6 तक के साइजेस होते हैं हमारे पास, ठीक। तो उस साइज में हम अपना हेडिंग्स दे सकते हैं, जैसे 6 साइज हैं अपने पास। अभी देखो मैंने बॉडी में सब सारे 6 टैग्स एक साथ मैंने शो किए हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो साइज में बढ़ा देता हूँ। देखो अब ये जो हमारा H1 में लिखा है वो मेन हेडिंग है, ठीक है। तो H1 सबसे पहला, मेन हेडिंग सबसे बड़ी, फिर H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, ऐसे ऐसे H6 तक, वो देखो सबसे छोटा है। ये मतलब मेन हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं HTML के। जब HTML इन्हीं टैग्स से मेनली स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जैसे एक ये हमारे पास हेडिंग्स के लिए ये सारे टैग्स हो गए। फिर जैसे मान लो तुम लोग कॉपी में लिखते हो पैराग्राफ्स, ठीक है, आंसर शीट लिखते हो तो पैराग्राफ्स में लिखते हो क्वेश्चन के आंसर, तो सेम इसमें भी वैसा एक पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग जैसे मान लो तुम नॉर्मल पैराग्राफ लिखते हो तो बीच में थोड़ा स्पेसिंग देते हो दो पैराग्राफ्स के बीच में। जैसे मान लो मैंने नॉर्मल दो पैराग्राफ्स ले लिए, ठीक है, ये दो पैराग्राफ्स हमारे पास लिखे हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखो दो पैराग्राफ्स ये हमारे पास आ गए, रैंडम टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब देखो अब ये पैराग्राफ के पास ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग आ गई है दोनों में, देखो। तो ये है मतलब पैराग्राफ टैग का ये रहता है कि जब तुम उनको यूज करते हो तो फिर दो पैराग्राफ टैग्स के या किसी भी टैग के बीच में स्पेसिंग दे देते हैं और एक फ्रेश लाइन से स्टार्ट होता है। मतलब बेसिक जैसे तुम पैराग्राफ एक डेफिनेशन होता है कि पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी यूज होता है। अब जैसे मान लो तुमको ये तुमने कह दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी तुम्हारा तो नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जब तुम किसी वेबसाइट पे देखते हो तो मान लो कोई टेक्स्ट इसमें बोल्ड आता है, कोई इटैलिक आता है, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल बदल जाता है कि कैसा वो टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इसके लिए जैसे एक सेकंड शो कर देते हैं, इसके लिए मान लो जैसे काफ़ी सारे टैग्स आते हैं, जैसे बोल्ड करने के लिए ये बी टैग आता है। इसमें जो भी चीज़ तुम लिखोगे, जैसे मान लो वेलकम मैंने लिखा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास बोल्ड में आ रहा है, एक को नॉर्मल भी वेलकम लिख के बता देता हूँ। कोई एक बोल्ड टैग में लिखा है, एक नॉर्मल लिखा है, ठीक। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, यस यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर,
तो रिस्पांस करते हो, मेरे को लग रहा था कि नेट इशू हो गया थोड़ा, तो ठीक है. मतलब देखो ये ऐसे ऐसे हमारे पास टैग्स होते हैं, जैसे इनको कहते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब हम टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि वो कैसा दिखे. अच्छा अब देखो जैसे हम लोग ने बोल्ड और ये नॉर्मल टेक्स्ट को देख लिया, इटैलिक के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? आई टैग सर, आई टैग. ठीक है अब देखो ये हमने आई टैग में भी लिख दिया. देखो ये थोड़ा सा कर्सिव फॉन्ट में आ रहा है. ठीक है अच्छा अब हमको बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है, तो हम कैसे करें? दोनों सर इंडेक्स को एक साथ यूज करेंगे सर, बी एंड यू को ऐसे यूज करेंगे. जैसे ये मैंने बी लिखा, अब सर उसको इंडेक्स को क्लोज कर देंगे, जस्ट उसके इंडेक्स के बाद यू को यूज करेंगे, देन लास्ट में सर दोनों को क्लोज कर देंगे. यहां पे सर बी बी जहां से इंडेक्स पहला वाला स्टार्ट हुआ है उसके बीच में सर, क्लोज वाले से पहले यू को. ठीक है अब देखो इसमें ये रहता है कि जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नॉर्मल है तो उसको हम नेस्टेड तरीके से कर सकते हैं. जैसे नॉर्मल हमने बी टैग लिया, हमको बोल्ड चाहिए वो, उसके बाद हमको इटैलिक भी चाहिए वो. ठीक तो अब बोल्ड और इटैलिक के अंडर में हमने वेलकम लिख दिया. तो अब जैसे ये देखो यह हमारा टेक्स्ट बोल्ड भी है इटैलिक भी है. तो ऐसे हमारे पास मतलब हम जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है इसमें हम नेस्टेड तरीके से उसको यूज़ करके काफ़ी वेरियस फॉन्ट्स हम कर सकते हैं इसमें. जैसे एक और दिखाते हैं तुम लोग को, जैसे एक होता है मार्क टैग. जैसे तुम लोग कोई भी हाईलाइट करना चाहते हो टेक्स्ट, तो उसके लिए एक डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है मार्क. ये देखो हाईलाइट होके आ गया ये नॉर्मल. ऐसे 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 करके जैसे मान लो आप तुमको जैसे O2 लिखना है, इस पे ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है ना O2, कैसे लिखोगे कोई बताओ, किसको आइडिया है? सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट SUB सर, SUB टैग यूज करेंगे सर, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करके SUB टैग. बढ़िया. तो जैसे मैंने O लिखा, नॉर्मल O लिखा, और यहाँ पे मान लो मैं सबस्क्रिप्ट यूज करना है. ठीक है सब टैग होता है उसके लिए, तो ओ टू स्पेस हटा देते हैं. ये देखो ओ टू. एंड ऐसे ही मान लो अगर मेरे को सुपर स्क्रिप्ट होता है ऐसे ही सिमिलर. ठीक है मान लो मेरे को टू का स्क्वायर लिखना है, टू एस यू पी टू. तो अब देखो यहाँ पे आ गया अपना टू का स्क्वायर, मतलब बेसिक बेसिक है टैग्स हैं. एक ऑक्सीजन के लिए जैसे सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो सब उसका है, सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है तो उसके लिए एस यू पी. अब मान लो मेरे को दो टेक्स्ट हैं, जैसे मान लो यही दोनों है वेलकम वेलकम, इसमें से मेरे को एक दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, तो मैं उसमें क्या करूँगा, कौन सा टैग यूज करूँ? प्लीज रिपीट. जैसे मेरे को वेलकम दो बार लिखना है और दोनों टेक्स्ट को साइज में मेरे को डिस्टिंग्विश करना है. जैसे बोल्ड इटैलिक से डिस्टिंग्विशन तो देख लिया, अब मेरे को साइज के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंस बताना है दोनों में. सर स्मॉल टैग और बिग टैग सर, एच टैग. हाँ एक एच टैग भी कर सकते हो, एक स्मॉल टैग होता है. ठीक है तो स्मॉल टैग का ये फंक्शन रहता है कि जैसे हल्का सा जो नॉर्मल टेक्स्ट रहता है उसे थोड़ा सा छोटा, देखो ये टेक्स्ट है हल्का सा छोटा है दूसरा वाला पार्ट है ऐसे है. और जैसे ये हमारे पास रहता है कि ये जो फॉर्मेटिंग रहती है इसको चाहे तुम कितने भी फॉर्मेटिंग को यूज कर लो तुम नेस्टेड ऑर्डर में, ये तुम्हारी ऐसे ही वर्क करती है. अच्छा अब ये कोई एक पार्ट बता. हाँ पूछो पूछो. हाँ पूछो सर, इसको पढ़ने के बाद 165 बंदों की नौकरी लग जाएगी जो सारी मीटिंग में, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे. ये समझ में नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ थोड़ा सर. मतलब कब बड़ा, इसमें तो सारी चीजें पहले से ही हैं. हाँ इसमें देखो प्री डिफाइंड चीजें हैं उनको यूज करके तुम्हारी काफी चीजें, जैसे ये देखो ये हमारा जैसे मान लो कॉलेज की ये वेबसाइट है जो भी है. ठीक है तो ये जो बननी है तो
तुम्हारे ये छोटे छोटे ऐसे ये सारे जैसे चीजें जो यूज हुई हैं, जैसे ये देखो एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज हुआ है, ठीक, यहाँ पे मान लो इमेज यूज हुई है, तो मतलब इन इन सारे जो ये जो सारी चीजें हैं बेसिक बेसिक, इन्हीं सबको हम कॉम्बिनेशन में यूज करके ऐसे हमने शो किया है। हेलो यस सर यस सर यस यस सर सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो सर। सर एचटीएमएल में सर कैसे कमेंट आउट करते हैं सर? हाँ वही उसी पे आ रहा था अभी मैं, जैसे देखो हाँ पूछो सर। पैराग्राफ टैग के अंदर सर मार्क टैग भी यूज कर सकते हैं? हाँ पैराग्राफ टैग के अंदर यूज करना हो मार्क टैग तो यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ यूज हो जाता है। एक बार को मैं तुमको एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। जैसे मान लो एक अभी किसी ने कमेंटिंग का पूछा था, ठीक है, तो ये होता है कमेंटिंग का एचटीएमएल में उसका फॉर्मेट। एक एंगल ब्रैकेट ओपन किया, ये अलर्ट वाला एक्सक्लेमेशन मार्क, दो माइनस, ठीक है, ये तो चलो मतलब अब मॉडर्न ये आ गए हैं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट है तो ऑटोमेटिक ले लिया। देखो जैसे मैं एक लगाया तो इसके आगे का जो क्लोजिंग टैग होता है वो इसने अपने आप ही ले लिया। इसके अंदर आप चाहे तुम जो भी एचटीएमएल का कंटेंट लिख लो, जैसे ये अभी देख रहे हो ये सब जो मैंने लिखा है तो मैंने कमेंट किया है, देखो कमेंट किया है, कमेंट मतलब ये कि अब ये वेबसाइट पे कहीं भी हमारा व्यू नहीं होगा। एक सेकंड देखो, ये जो मैंने जितना भी पार्ट यहाँ पे कमेंट्स में डाला है, यहाँ पे देखो वेबसाइट्स पे कहीं भी तुम्हारा व्यू नहीं होगा। ये कमेंटिंग किस लिए करी जाती है कोई बता सकता है? कोड को रीड करने में नोट्स लिखने के लिए हमारी बाकी ब्राउजर पे हम शो करेंगे उस पे ना शो हो। नो सर, एक्चुअली कोड को हम लोग वापस से रीड करते हैं, हम लोग को हेल्प मिले रेडिबिलिटी में, उसके लिए कमेंट यूज करते हैं। ठीक है, कई लोग ने सही बताया। मेन तो एक ये रहता है, जैसे आपका ये कोड वेबसाइट पे नहीं दिखता है और आपको इससे इस पार्ट से, जैसे मैंने कई पार्ट में कोड बनाया है एंड बीच में इधर लिख दिया मैंने कि ये पार्ट मेरा मान लो डेवलपमेंट का फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एक कंपोनेंट का ये है मेरा कोड, तो मैंने एज एक हेडिंग दे दी कि यहाँ से इसका कोड स्टार्ट है और उस हेडिंग को मैंने कमेंट कर दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ से मैंने डे वन की क्लास स्टार्ट की तो यहाँ मैंने डे वन लिख के यहाँ पे पूरा इसका स्टार्ट कर दिया। तब ये जो डे वन है ये मेरे को पता है कि यहाँ से मतलब एक ही हेडिंग है मेरे लिए, मेरे हेल्प के लिए कि यहाँ से मैं जान सकता हूँ कि यहाँ से आगे मैंने डे वन का स्टार्ट किया है, तो एक इसके लिए होता है। एंड एक जब तुम अभी तो जैसे मैं सिंगल एक फाइल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अभी तुम लोग आगे करोगे तो फिर जैसे ये हो सकता है कि तुम लोग मिल के कॉमन प्रोजेक्ट एक बनाओ, ठीक, जब कॉमन प्रोजेक्ट बनाओगे तो सब लोग अलग अलग पार्ट पर काम करोगे, तो वो जो पार्ट मान लो मैं काम कर रहा हूँ अगले दिन मान लो कोई और उस पर काम कर रहा है तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो ऐसे हम लोग कमेंट्स दे देते हैं कि उसको भी पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसलिए मेन कमेंटिंग यूज़ करते हैं। और अभी कोई पूछा था पैराग्राफ टैग में हम जैसे मार्क टैग यूज़ कर सकते हैं नहीं, ठीक, तो जैसे मान लो ये एक हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पर मेरे को मार्क टैग मैंने ओपन किया, ठीक, ओपन और क्लोजिंग ये तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है, तो इसके बीच में मान लो मैंने हेलो लिख दिया है, ठीक, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो पूरे पैराग्राफ टैग में जितना मार्क टैग के अंडर लिखा है सिर्फ वो हमारा मार्क्ड है। अगर मान लो मैंने मार्क टैग का क्लोजिंग मैं लगाना भूल गया, अब देखो इस पर क्या इफेक्ट है, अब देखो क्लोजिंग में भूल गया तो पूरे पे ये पूरा मार्क हो गया, तो ये मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ये तुम लोग ध्यान रखना। तो जैसे जो भी टैग ओपन हो उसके अंडर लिख देना कि जो भी उसका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए और फिर उस टैग को क्लोज करके फिर अपना बाकी का पार्ट कंटिन्यू कर सकते। अब जैसे इसमें हमको जो अभी जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, हम यहाँ पे सब यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे सारे उनमें से जैसे मान लो सबस्क्रिप्ट में मैंने ये वाला वर्ड दिया, ठीक है, तब यहाँ पे देखो ये सबस्क्रिप्ट में आ गया ये पार्ट हमारा।
तो जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अभी हम लोग ने देखे हैं सब तुम लोग किसी भी टैग में यूज कर सकते हो। अब एक ये होता है जैसे मान लो तुम लोगों को कोट्स लिखना है, ठीक है, नॉर्मल एक कोट ओपन कर लेते हैं कहीं से। और फॉन्ट बदल सकते हैं? हाँ फॉन्ट भी बदल सकते हैं, अभी उस पर भी आ सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं तुम पूरे मतलब वेबसाइट का पूरा लुक अपने अकॉर्डिंग तुम चेंज कर सकते हो। मार्क का कलर तुम CSS यूज करके चेंज कर सकते हो। CSS पे अभी जब आएंगे तो फिर ये सारी चीजें अभी पूरे अच्छे से बताएंगे, ठीक है? ओके सर। यस कोई और भी कुछ पूछ रहा था? देखो ये पेज जैसे यहाँ पे मैंने चेंजेस किए इसको मैं सेव किया हूँ, अभी मेरा देखो ऑटो सेव ऑन है, ठीक है। यहाँ पे तो पहले तुमको इस फाइल को सेव करना रहेगा, फिर यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कोई भी चेंजेस की एक स्मॉल ये मैंने हटा दिया, ठीक। अब मैंने फाइल को सेव किया एंड जहाँ मेरी फाइल खुली है वहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने पे चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे। एक बार करके चेक कर लो। ठीक है तो अभी हम कोड पे थे, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो अभी फिर से पूछ लेना, अभी हम कोट वाले पार्ट पे थे, ठीक। तो जैसे ये होते हैं दो पार्ट, एक ब्लॉक कोट होता है एक ऐसे ही टैग, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक, ये पूरा कोट जो कॉपी किया था हमने, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ से थोड़ा स्पेस देके थोड़ा बोल्ड और मतलब थोड़ा डिस्टिंग्विश टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसे जिससे तुमको समझ में आ रहा है कि ये तुमने यहाँ पे कोड लिखा है, पूरी जो भी अभी पेज है वहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है ये तुमने कोड लिखा है। थोड़ा सा देखो हट के आया है यहाँ पे, थोड़ा मार्जिन आ गया है यहाँ पे। और एक और टैग होता है क्यू टैग, मान लो क्यू टैग में भी मैंने सेम चीज दी अभी, ठीक है। अब देखो अच्छा इन जो मैंने ब्लॉक कोट यूज किया और जो क्यू टैग यूज किया है इसमें डिफरेंस बता सकता है कोई? सर बिना मार्जिन के वो क्यू टैग बिना मार्जिन के पेज पे शो करेगा और ब्लॉक कोट टैग जो है वो मार्जिन के साथ शो करता है। और एक और कोई डिफरेंस कोड देख लो उसके अकॉर्डिंग बताओ, कोई और डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो भी बता सकते हो कि नहीं दिख रहा सर वो इन्वर्टेड कॉमा जो क्या सर वो थोड़ा साइड से शुरू हुआ है और ये सर शुरू फर्स्ट लाइन से मतलब हाँ ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। एक और डिफरेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आ गया। हाँ देखो क्यू टैग डबल इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आता है, क्यू टैग कोटेशन के लिए फुल फॉर्म होता है उसका, ठीक। तो क्यू टैग में जैसे यहाँ पे मैंने देख लो कोटेशन मार्क्स नहीं दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब वेबसाइट पे शो हो रहा है हमारी तो यहाँ पे देखो ये कॉमास के साथ आ रहा है, तो मतलब ये अलग से हाईलाइट कर देता है कॉमास कोटेशन टैग। एंड जो ब्लॉक कोट होता है ये थोड़ा मतलब टेक्स्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देता है कि वो स्टैंड आउट करे बाकी जो जितना कंटेंट है उससे, इसलिए ब्लॉक टैग में और क्यू में बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम होता है। अच्छा अब जैसे हाँ हाँ पूछो पूछो सर, यच टैग और बोल्ड टैग में क्या डिफरेंस होता है? किस किस टैग में? बोल्ड और यच और बोल्ड, बोल्ड एच और बोल्ड, ठीक है। तो जैसे देखो ये टैग होता है हेडिंग के लिए, ठीक है,
ये तुम्हारा रहता है कि तुम्हारा इसे हेडिंग भी आ रही है एंड साइज भी आ रहा है। एक सेकंड को बता रहा हूँ, देखो अभी ये मैंने एक एच टैग में लिखा है और एक बोल्ड टैग में, दोनों में सेम चीज लिखा है, ठीक। अब यहाँ देखो वेबसाइट पे, यहाँ पे देखो जो एच टैग में मैंने लिखा है वो हेडिंग है, ठीक। तो हेडिंग पूरा जितना पेज का लेंथ है उतना पूरा ले रही है, मतलब देखो इस लाइन में आगे और कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ मैंने बोल्ड टैग लिखा है, ठीक। ये चलो बोल्ड तो हो गया, लेकिन अब देखो इसके आगे और टेक्स्ट आ सकता है हमारा, ये डिफरेंस होता है मेन। और एच एच का मतलब ये रहता है कि इसमें तुम जैसे ये जो वैल्यू जब चेंज करोगे तो इसका साइज भी चेंज होता है, और जो कि बोल्ड टैग में तुम्हारा अवेलेबल नहीं होता है ये चीज, ये डिफरेंस होता है मेन टैग में, ठीक है। यस यस अब मान लो जैसे सर मेरे को ब्लॉक टैग का फिर से बता दीजिए, एक्सक्यूज मी ब्लॉक टैग, सर ब्लॉक टैग फिर से बता दीजिए। ठीक है ठीक है। देखो ब्लॉक कोड में ये रहता है कि जो भी हम जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सेम कोड, वो सेम टेक्स्ट वैसे ही हमारा वेब पेज पे शो करेगा। बस ये रहता है वो थोड़ा मार्जिन दे देता है जिससे वो बाकी जो वेबसाइट का कंटेंट है उससे थोड़ा स्टैंड आउट करे उसका कंटेंट। जैसे यहाँ पे जैसे कोई भी जैसे कोड देख रहे हो तो चलो इधर तो नहीं, लेकिन तुम जैसे नॉर्मल पोस्ट देखते होगे कहीं पे भी इंस्टाग्राम की, तो नॉर्मल यहाँ पे जैसे तुम्हारा टेक्स्ट दिया है, फिर हल्का सा यहाँ पे एज दे के, फिर यहाँ पे तुम्हारा राइटर का नाम जो ऐड करते हैं, तो मेनली तुम कह सकते हो वो ब्लॉक टैग यूज, ब्लॉक कोट यूज किया है वहाँ पे। अच्छा ओके सर। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं अभी जैसे मेरे को लिखना है यहाँ पे MMUT, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक। तो ये तो अभी नॉर्मल शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास मान लो अभी जगह, मैं इसको फुल में भी लिख सकता था, ठीक, हुआ MMUT मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी मेरे पास मान लो अगर स्पेस कम है तो मेरे को शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा। तो हम एक टैग यूज करते हैं एब्रीवेशन जिसका नाम होता है, ठीक। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है में लैग आ रही है सर, वीडियो में लगभग 10 सेकंड आसपास ही है। वीडियो में लैग आ रहा है, वॉइस में आ रहा है, ए वीडियो में सर वॉइस तो पहले आ रहा है, वीडियो सही आ रही है, वीडियो बाद में आ रहा है, तो वीडियो वीडियो लैग। एक सेकंड अभी सही है सर, वो लिखते हैं ना जब सर। वीडियो पे तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा पहले बोल दे रहे हैं और बाद में लिख रहे हैं, लिखने वो थोड़ा नेट का इशू हो सकता है, देख लेते हैं उसको, मतलब अभी तो देखो जैसे अभी हम बता रहे थे एब्जीवेशन टैग, ठीक है, सर साथ साथ लिखते और साथ साथ बोलते हैं ना तो उससे पता चलता है लैग आ रही है नहीं या ठीक हो गया। तो देखो जैसे ये हमारा एब्रिविएशन टैग है, ठीक। तो जैसे अभी मैंने नॉर्मल MMUT यहाँ भी लिखा है, MMUT यहाँ भी लिखा है, ठीक। अब ये चीज़ है कि जैसे मेरे को एक्सप्लेन करना है कि ये पूरा इसका MMUT का मतलब क्या है, ठीक। तो इसमें ये रहता है कि एक सेकंड मैं स्पेल सही कर देता हूँ उसको। सर ABB आ रहे हैं ना, हाँ ABB यार, वो लैग हो रहा था तो उधर थोड़ा वो हो गया था। अब देखो जैसे सेम टेक्स्ट दोनों में लिखा है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कर। फर्स्ट ईयर तब तक तुम एक काम करो, तुम लोग एक स्लॉट्स में अटेंडेंस की गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया जा रहा है, अपने अपने अटेंडेंस दे दो, आज फॉर्म खाली 5 मिनट के लिए खुला रहेगा तो जल्दी ले अटेंडेंस दे दो। अटेंडेंस दे दो फिर यहां से कंटिन्यू कर लेते हैं। सर व्हाट्सएप पे आ रही क्या? हाँ तुम लोग रिस्पेक्टिव स्लॉट्स में अटेंडेंस फॉर्म सर्कुलेट किया जा रहा है। चैट बॉक्स पे भी डाल दो ऐसा करो उत्कर्ष। संस्कार सर, हाँ पूछो। सर बोल रहे थे आज आज की क्लास में और कितना कंटेंट अभी बाकी है?
अभी जैसे जितना टाइमिंग है उस टाइमिंग तक जितना हो पाएगा उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। ओके सर। एक बार सब अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लेना तो बता देना, फिर से स्टार्ट कर देंगे यहीं से। सर टाइमिंग कब तक है? व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे तो नहीं आया। उत्कर्ष फॉर्म देख लो, फॉर्म सेंड कर दो इन लोग। हां गया सर, आ गया। हां सर बस सेंड कर दो, फॉर्म सेंड कर दो। ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? संस्कार, am I audible? एक बार चेक करके बताओ। Yes ma'am. Yes ma'am, you are perfectly audible, right? So hi first year, do I have Mohit here? Hello. Am I audible? तो अभी हाँ Mohit audible. तो अभी जो भी चीजें हम पूछेंगे वो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर आप लोग नहीं बताएंगे। सो दिस इज आर जस्ट अ विजिट टू चेक की क्लासेस कैसी चल रही हैं। सो फर्स्ट ईयर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? यस मैम। क्या क्या पढ़ा अब तक? अभी तक HTML पढ़ा। मैम अबाउट वेब, देन अबाउट HTML एंड HTML टैग्स। और HTML हम क्यों यूज करते हैं? ओके ये बताओ कि कितनी लैंग्वेजेस होती हैं वेब पेज डिजाइनिंग में, मतलब कितनी लैंग्वेजेस होती हैं वेब डेवलपमेंट में? मैम आपके माइक में थोड़ा मैम, थ्री लैंग्वेजेस मैम, फ्रंट एंड के लिए अलग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके सो जस्ट टेल अस वन थिंग, आर यू ऑल एंजॉयिंग द क्लासेस? यस Yes, ma'am. Are you loving? Are you liking the content that is being delivered? Yes, ma'am. तो मजा आ रहा है ना? ऐसी क्लासेस और करानी चाहिए ना? Yes, ma'am. मोहित, आपको भी बात करनी है ना? अच्छा, हमको क्लियर आंसर नहीं मिला था। अभी मैम ने पूछा तुम लोग से कि कौन-कौन से HTML लैंग्वेजेस हैं? HTML सॉरी वेब टेक की लैंग्वेजेस मेनली थ्री होते हैं, बट उसके अपार्ट में हम बूटस्ट्रैप वगैरह भी यूज करते हैं सर। ठीक है। संस्कार, इन लोगों को क्या-क्या पढ़ाया है अब तक? अभी मैम नॉर्मल HTML चल रहा है, HTML के बेसिक्स, और ट्विंकल ने इंट्रो दे दिया था वेब डेवलपमेंट एंड ऑल का। ठीक है, तो बाकी आई गेस मोहित चले दूसरे स्लॉट में, यहाँ तो सब सही है। तो फर्स्ट ईयर कुछ ऐसा नहीं है ना जो बोलना है कि क्लास के बारे में कि जो समझ में नहीं आया आ रहा है या फिर जो अच्छा नहीं लग रहा है? There is nothing such. ऐसी चीज़ सब समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो योर टीचर्स विल कंटिन्यू द क्लास, जब तक कंटेंट उन्हें डिलीवर करना है तब तक वो डिलीवर करेंगे। And then सब attendance भर देना यार, certificate वैसे ही मिलेगा। Certificate 75% पे मिलेगी, तो attendance सब लोग भर लेना, ना? ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, कल की class में ऐसे ही हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, class continue कर लो तुम लोग। तो सबने attendance form भर दिया ना? फॉर्म मिला व्हाट्सएप ग्रुप से,
WhatsApp ग्रुप चेक कर लो, वहां पे आ गए लिंक्स। यस सर आ गया। एक बार फिल कर लेना तो बताना, फिर यहां से कंटिन्यू कर लेंगे यहीं से ऑब्जर्वेशन से। सर अभी भी नहीं है। अटेंडेंस नहीं आ गया सर। सर हमारे स्लॉट में फॉर्म नहीं है सर। स्लॉट पर स्लॉट खुद का शेप पे चेक कर लो, जो जो स्लॉट में फॉर्म नहीं गया वहां पे भेज दो। सारे स्लॉट्स में भेज दो। सर स्लॉट 3 और स्लॉट 4 में भेज दिए सर। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में दो मैच में जा रहा है। तो इस चक्कर में कोई किसी के अटेंडेंस मिस ना हो, बस इसलिए गूगल फॉर्म फिल करवा रहे हैं। इसमें भी मैं क्या सर, ये स्लॉट 1 स्लॉट 2 क्लासेस डिफरेंट चल रही है क्या दोनों में? हाँ, मतलब बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम लोग ने ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दी। वहाँ पे दूसरे लोग ले, तो मुझे नहीं मिली लिंक अटेंडेंस की। आप कौन से स्लॉट में एडेड हैं? आप लोग जाइए, मतलब आपके अभी लिंक आपके ग्रुप में भी आ जाएगा। आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा, उधर लिंक आ जाएगा, उधर से आप भर सकते हैं। फिर अगर आपका मिस भी हो जाए तो आप बता दीजिएगा, अटेंडेंस का वो दिक्कत नहीं होगी, वो देख किया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास अभी पेज पे स्पेस कम है, ठीक, तो मैंने ट्रिपल एम यू टी को, मतलब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को ट्रिपल एम यू टी लिखा। अब मेरे को यूजर को समझाना है कि ये ट्रिपल एम यू टी क्या है। तो ऐसे ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल ट्रिपल एम यू टी है, ठीक, और ये वाला टैग है ट्रिपल एम यू टी के अंदर। तो एक सेकंड रुकना, ये शो क्यों नहीं हो रहा है, चेक कर लेता हूँ टाइटल। मतलब एब्रिविएशन टैग का एक ये काम होता है कि उसको शॉर्ट में लिख देता है, कि जिससे हम उसको उसकी जो उस पर जब मूव करें अपना माउस, तो फिर वो उसकी डेफिनेशन जो भी हमने डिफाइन किया यहाँ टाइटल में, वो उधर हम लोग को शो कर देता है। ओपनिंग टैग में सर एक सेकंड, बंद नहीं किया आपने। हाँ, क्या पूछ रहे हो? हेलो, संस्कार कंटिन्यू कर लो। ठीक है। मतलब मेन एब्रिविएशन टैग का यही फॉर्म होता है, मतलब यही काम होता है कि जो हमारा जो मेन टेक्स्ट है ये बता देता है। अभी पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है सर, मेरे पे हो रहा है सर, जब कर्सर ले जा रहे हो उस पे तो शो हो रहा है सर। हाँ, तो मतलब वही है, अभी इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आई, जो भी है मतलब आप लोग चला कर देख लो, वो चलेगा। तो बंद नहीं किया कहाँ पे? ये सर आपने क्लोज ओपनिंग टैग है जो एब्रिविएशन एबीबीआर जो संस्कार एबीबीआर को हाँ है क्लोज है तो अरे वो थोड़ा कुछ हो गया होगा। चलो ठीक है, मतलब आप लोग अपने में चला के देख लो, वही वर्क कर रहा है। ठीक है, जब आप इस पे होवर करोगे तो फिर उधर ये कर तो जाए। तो देखो ये होवर कर रहा हूँ मैं इस पर, तो देखो पूरा उसका ट्रिपल एम यू टी का पूरा नेम लिख के आ रहा है। ठीक, ये एब्रिविएशन टैग का ये फीचर होता है। यहाँ पे इसमें बस एक प्रॉपर्टी देनी होती है टाइटल नाम से, कि हमारा जो ये जो टेक्स्ट यूज हुआ है ये क्या है। तो एक टाइटल नाम से इस पर एक प्रॉपर्टी हम देते हैं कि ये मतलब किस लिए है एंड क्या करता है। ठीक, अब सबसे ये टैग जो बताने जा रहे हैं काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अच्छा, किसी ने एंकर का नाम सुना है? यस सर, यस सर। एंकर कहाँ यूज होता है? सो एंकर टैग किसी लिंक को अपडेट करने के लिए होता है, रेफरेंस लिंक देने के लिए। रेफरेंस लिंक देने के लिए। ठीक, तो
एंकर टैग का ये रहता है कि जैसे जो लिंक हमारा मान लो कहीं किसी और पेज का, जैसे मान लो इसी पेज का ये लिंक है, ठीक, मैंने कॉपी किया। अब एंकर टैग ये हमको एक फीचर देता है कि इसमें कि ये पास होता है, इसका ये प्रॉपर्टी होती है इसकी HRF करके, HRF मतलब लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो उस पेज का जो भी मैंने कॉपी किया उसका लिंक दे दिया, ठीक है, और यहाँ अंदर मैंने लिख दिए कोट्स। अब HRF हम एंकर टैग हमको ये देता है फीचर कि HRF में हम जो भी लिंक लिखें हम इस टेक्स्ट पे क्लिक करते ही उस लिंक पे पहुँच जाएंगे। जैसे देखो मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ कोट्स लिख के आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो लोडिंग स्टार्ट हुई, मैं उसी पेज पे वीडियो डिले है आपकी सर, हमें नहीं शो रहा था अभी, सही है अभी शो हुआ है सर। तो मतलब देख लो थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर, तो मतलब थोड़ा लेट प्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब देखो जो भी मैंने इस पेज इस बटन पे क्लिक किया इस लिंक पे, तो अब जो भी मैंने उसके अंदर जो HRF में जो लिंक दी थी वो देखो वो यहाँ पे विजिबल आ गई है, ठीक। ये होता है एंकर टैग। एंकर टैग तुम जैसे काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंकर टैग तुम्हारा मेजर पार्ट में तुम्हारा एंकर टैग यूज़ होता है। जैसे एंकर टैग का भी जो जब आगे CSS पे जब आएंगे तब इसके और यूजेस दिखाएंगे कि कैसे कैसे और यूज़ कर सकते हैं एंकर टैग। मतलब ये इन शॉर्ट ये कहता है कि एक ये जो तुम्हारा ग्लोबल पे जो एक वेबसाइट ये है तुम्हारा वेबसाइट वेब पेज कुछ भी तुम यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक। तो तुम यहाँ पे जैसे जब उस लिंक पे क्लिक करोगे जो भी यहाँ टेक्स्ट दिया है ये तुम्हारा विजिबल होगा वेबसाइट पे, ठीक। जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे तो फिर ये जो HRF तुम्हारा एडेड है ये यहाँ पे तुम्हारा शो हो जाएगा। जैसे ये सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट एक इमेज खोल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस इमेज का URL कॉपी कर लिया, ठीक है, ये तो ये अनस्प्लैश का पेज आ गया, ठीक है, ये इस मैंने इस लिंक का URL कॉपी कर लिया है। अब जैसे मैं अपने कोड पे जाके यहाँ पे ये लिंक मैंने चेंज कर दी, ठीक, ये जो मैंने लिंक अभी जो कॉपी की थी वो वाली लिंक मैंने डाल दी यहाँ पे। तो अब जब मैं इस पर मैंने रिफ्रेश किया पेज, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे दी है ये यहाँ पे ओपन होगी, ये देखो ये ओपन होगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इस पर वेब पेज का लिंक दे सकते हो, तुम इस पर कोई भी चीज़ का लिंक दे सकते हो। जैसे यहाँ अभी मैंने इमेज का लिंक दे के रखा, तो ये एंकर टैग होता है। अगर अब तुमको इमेज अपने पेज पे शो करानी है तो उसके लिए इमेज टैग यूज होता है, ठीक, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है SRC सोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो इमेज टैग का ये रहता है जैसे, अच्छा ये देखो अभी तक ये जो सारे टैग थे ये देखो क्लोज हो रहे थे सारे टैग, ठीक, जैसे यहाँ ओपन हुआ एंकर टैग, यहाँ क्लोज हुआ पैराग्राफ टैग, जैसे एब्रीवेशन देखो यहाँ ओपन हुआ एब्रीवेशन, यहाँ क्लोज हुआ। इमेज टैग एंड कुछ और ऐसे टैग्स होते हैं जिन पे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब तुम दे दो तो भी वैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट इनका नॉमिनक्लेचर ऐसा है कि तुमको इसमें क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे अभी एब्रीविएशन में तुमने टाइटल एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, एंकर टैग में HRF प्रॉपर्टी होती है, इमेज में सोर्स होती है प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें हम या तो हमारे पास जैसे हम यही अगर इमेज दे दें, ये दे दी मैंने यही सेम, ठीक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक सेकंड,
रहे हो? यस सर नेट इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है? मैं नहीं रहा। जैसे मान लो अभी हम कोई एक इमेज डाउनलोड ही कर लेते हैं, नेट का थोड़ा इशू हो रहा है, तो जैसे इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जिस फोल्डर में अभी हम हैं वहाँ पे मैंने इमेज सेव कर दी, ठीक है। अब इस ये देखो इमेज ये आ गई यहाँ पे, तो अब मैं इस इमेज को मेरे को शो करना है, तो इसको मैंने इसका नेम कॉपी किया, ठीक है, नेम प्लस एक्सटेंशन उस इमेज का, वो मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे उसको चेंज कर दिया, ठीक है, नेम प्लस एक्सटेंशन उस इमेज का जिस नाम से इमेज है। तो अब जैसे अब मैं रिफ्रेश किया तो देखो ये पूरी इमेज आ गई, लेकिन अब मेरे को इमेज छोटी चाहिए, यहाँ पे देखो इतनी बड़ी इमेज आ गई। तो इस पे अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ और सिमिलरली एक प्रॉपर्टी होती है हाइट। तो अच्छा ये बताओ तुम लोग को ये पता है वेबसाइट पे जो हम देते हैं कोई भी विड्थ और हाइट तो वो किस यूनिट में दी जाती है? पिक्सल परसेंटेज विड्थ हाइट, ये तीन बेसिकली यूज होती हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मान लो यहाँ 200 पिक्सल लिखा, ठीक, अगर मैं यहाँ पिक्सल नहीं भी लिखूं तब भी ये देखो ये साइज मतलब ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल ही होता है, तो इसलिए समझ लेते हैं, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे विड्थ जो है ये मेरी 200 पिक्सल है, ये उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर सिमिलरली एक ये हाइट वाला भी एक होता है, ठीक, अगर मैं हाइट भी 200 दे दूँ तो मेरी विड्थ और हाइट दोनों फिक्स है 200। तो मतलब इस अकॉर्डिंग मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑल्ट टैग, ऑल्ट का मतलब से कोई क्या समझ रहा है? सर अल्टरनेट, ठीक है, किसी केस में सर अगर हमारा फिगर नहीं शो हो रहा था तो उसके जगह पे वो अल्टरनेट जो हम लिखते हैं उसके अंदर वो शो होता है। मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फाइल ऐड कर दिया, मतलब इमेज नेम मैंने चेंज कर दिया, ये इमेज अभी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो अब मैं इसको शो कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक आइकन आ गया और इमेजेस आ गया। इमेजेस क्या है? जो मैंने यहाँ पे अल्टरनेट टैग दिया है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम टेबल टैग। जैसे HTML में जैसे कोई फॉर्म भरते हुए या फिर कहीं का स्कोर बोर्ड जब देखते हो तो टेबल्स होती हैं ना। जैसे मान लो कोई एक वेबसाइट खोल के दिखाता सर, आपने जो एब्रिविएशन यूज करा था तो SS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 
गया था वो, उस पर थोड़ी देर होवर करके एक सेकंड ब्रेक करो तो वो उधर शो हो जाएगा, जो डॉटेड लाइन आ रही है उस पर होवर करके उस पर होल्ड रखना। अब जैसे मान लो ये टेबल टैग है, ठीक है, जैसे अभी हम टेबल टैग पे आए हैं, ठीक, तो ये जैसे हमारे पास ये जो डाटा है ये वाला पार्ट, ये एक देखो टेबल में अरेंज है, सबका बैटर दिया है, रन्स दिए हैं, बॉल्स दिए हैं, 4-6 ऐसे सबका डाटा दिया है, तो एक तरीके से ये टेबल एक यूज हो रही है, ठीक। तो इसको हम, इसमें हमारे टैग्स आते हैं, जैसे HTML के अंदर सब टैग्स होते हैं हेड और बॉडी, तो टेबल के अंदर टेबल रो एंड टेबल डाटा ये दो टैग्स होते हैं, ठीक। तो जैसे टेबल रो मेरे को मान लो मैंने दे दिया कि इसमें टेबल रो के अंदर टेबल डाटा, यहाँ पे मेरे नेम्स हो गए, यहाँ मान लो मैंने ये दे दिया, सॉरी डी के अंदर ये दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो अभी ये मेरा ये पेज का हेडिंग मतलब उस टेबल का मैं TR होता, जैसे HTML के दो सब टैग्स होते हैं, एक हेड और बॉडी, तो टेबल में दो टैग होते हैं TR और TD। TR होता है टेबल रो एंड TD होता है उस टेबल के अंदर, उस रो के अंदर जो डाटा हम डाल रहे हैं वो होता है टेबल डाटा,
ये इसलिए यूज होते हैं। तो जैसे अभी मैं मान लो एक ये मैंने बेसिक हेडिंग दे दी, जैसे यहाँ पे जो टॉप पे दिया है बैटर रन्स एंड बॉल्स, तो ऐसे मैंने दे दिया नेम एंड ईयर, ठीक। अब मैं एक नेक्स्ट रो पे, अब इसका डाटा देना मेरे को कि दो लोग हैं, मान लो जॉन और इसका ईयर है सेकंड ईयर है मान लो, ठीक है। एंड एक और टेबल रो मैंने दी, मतलब मेरे को दो रो चाहिए और उसमें दो लोग के दो दो डाटा हैं, ठीक है, दो दो फील्ड्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया, ठीक है, और इसका डाटा मैंने दे दिया ये फर्स्ट ईयर, ठीक। अब जैसे मैं नॉर्मल अपना वेबसाइट पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो अब यहाँ पे नेम ईयर, अब देखो जो जैसे पहला टैग मैंने यहाँ पे नेम दिया है, ठीक है, तो ये टैग और ये टैग हमेशा एक के नीचे एक अलाइंड रहेंगे, ठीक है। जो मतलब जो भी पहले टैग्स होंगे ये एक के नीचे एक अलाइंड हैं। ये देखो नेम के नीचे जॉन अलाइंड है, जॉन के नीचे डो अलाइंड है, ये तीनों एक लाइन में, कोई मतलब आगे पीछे नहीं है। एंड सिमिलरली ईयर का देखो, ये नहीं हुआ कि जैसे डो की, जैसे मान लो यहाँ पे साइज कम है, लेंथ कम है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि फर्स्ट यहाँ से ही जस्ट स्टार्ट हो गया, ये अपने जो ये जो पार्ट है ईयर वाला इसके साथ अलाइन रहता है हमेशा, ये टेबल का फायदा होता है। जैसे यहाँ पे मान लो एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी बॉर्डर देने के लिए, जैसे अभी तुम लोग को नॉर्मल डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो ऐसे यहाँ पे बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब समझ में आ रही है ये टेबल, जैसे ये देखो ये हमारा पहले दो एंट्रीज के मतलब हेडिंग्स हैं एंड ये दोनों एंट्रीज हैं इनका डाटा, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम चीजें। सर अगर एक डाटा डालें तो वो कहाँ रहेगा? एक डाटा डालोगे तो देखो जैसे मैंने अभी दूसरा डाटा हटा दिया, ठीक है, तो नॉर्मली तुम्हारा इसके नीचे अलाइंड रहेगा टेबल। टेबल जैसे तुम्हारी ये वर्टिकल मैनर में रहती है ना, जैसे जो टेबल रो जो तुम्हारा है ये एक रो मतलब एक सीक्वेंस, जैसे एक पूरा ये एक रो मतलब एक ये, ठीक है। तो सर वॉइस नहीं आ रही है, तो बस ईयर दे सर, तो क्या कह रहे हो? सर एक डाटा नेम ना दे, बस ईयर दे उसका, तो वो कहां अलाइन होगा? सिर्फ ईयर दोगे ये कह रहे हो कि यहाँ से नेम भी हटा दिया? ये सर नेम हटा के ईयर रह रहा है डाटा में, तो ओनली ईयर सर, सिर्फ ईयर। तो देखो ये रहेगा कि तुम्हारा सिर्फ ईयर इधर आ जाएगा, क्योंकि ईयर अपना यहाँ पे पहली फील्ड ईयर है, ठीक, तो यहाँ पे ईयर आ गया। एंड इसके आगे यहाँ पे इसकी पहली फील्ड आ गई जॉन, लेकिन अब यहाँ पे जब कोई फील्ड है नहीं तो ये ब्लैंक रह जाएगा। एंड इसके आगे जितने भी फील्ड्स हैं उसके आगे उनके साइज के हिसाब से वो क्रिएट होते चले जाएंगे। मतलब ये है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे ईयर की जगह मैं यहाँ पे दे देता कि मान लो एक लंबी सी फील्ड है जी, ठीक, इतनी बड़ी, तो अब ये जो मेरा सेकंड कॉलम बनेगा ये लंबा कॉलम बनेगा। देखो इतना बड़ा कॉलम ये बना, भले यहाँ पे वैल्यू छोटी है लेकिन ये कॉलम हमारे पास ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से मतलब टेबल टैग रहता है कि जिस सीक्वेंस में तुम दे रहे हो उस सीक्वेंस में अलाइन रहती हैं चीज़ें ऐसे। अगर सर 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 ऐसे कॉलम में अगर हम कुछ ब्लैंक करके रो में डालना चाहे, तो जैसे सर अगर हम कोई ऐसा डाटा बना रहे हैं जिसमें सर कॉलम में नेम नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन उसका जो है मान लीजिए रोल नंबर डालना चाह रहे हैं, रोल नंबर वाले कॉलम में रोल नंबर डालना चाह रहे हैं लेकिन नेम नहीं डालना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है, देखो जैसे तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर एक और मैंने क्रिएट करी और यहाँ पे मेरे को बीच में ये देना है कि इसने ईयर नहीं दिया अपना एज एग्जाम्पल, और उसको रोल नंबर देना है, ठीक, ऐसा। यस 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 सर। ये देखो यहाँ पे देखो अब ये बीच वाली जो फील्ड है, जैसे पहला नेम था फिर ईयर था फिर रोल नंबर, तो नेम के लिए मैंने एक खोला, वहाँ पे मैंने उसका नेम डिफाइन कर दिया। यस। अब ईयर में मेरे को कोई डाटा नहीं डालना, तो ईयर मैंने बस ओपन करके छोड़ दिया, कोई डाटा नहीं डाला वहाँ। रोल नंबर में मेरे को टू डालना था तो टू डाल दिया। अब देखो यहाँ पे ईयर के अंदर कोई डाटा नहीं है, ठीक है। बॉर्डर बता दीजिए मुझे सर एक बार। बॉर्डर जैसे तुम्हारा नॉर्मल एंकर टैग की एचएफ प्रॉपर्टी होती है, तो वैसे टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर,
बॉर्डर मतलब यहाँ पे तुम इसका मतलब डिफाइन कर सकते हो कि तुमको कितना बड़ा चाहिए. जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2 दिया तो 2 पिक्सल उसका मतलब लग जाएगा क्या. क्या पूछ रहे हो रिपीट कर लो एक बार सर. बॉर्डर से सेल्स का भी इसमें बॉर्डर लग गया अगर ना चाहे तो. तो उसके लिए ऐसे बेसिकली ये रहता है कि अगर तुमको देखो दो ऑप्शन रहते हैं. ऐसे एक मेन हम टेबल पे पूरा बॉर्डर दिया है ठीक. तो उसमें हमारे पास जो अंदर के जो सेल्स होते हैं उन पे भी बॉर्डर आ जाता है. एंड एक और ऑप्शन रहता है उसमें ये रहता है कि नॉर्मल यहाँ पे हमने दे दिया तो वो सिर्फ इन पे आया बॉर्डर. लेकिन जैसे जो तुम कह रहे हो कि सिर्फ बाहर टेबल पे आया तो उसके लिए मेन हमारा वो पार्ट सी एस एस से होता है कि हमने टेबल टैग बॉर्डर दिया है. जैसे अभी जब सी एस एस पे आएंगे तो इस चीज़ पे आ जाएंगे. यहाँ पे तब एक स्टाइल प्रॉपर्टी यूज होती है कि एक टेबल टैग को हम स्टाइल कहते हैं कि इस पे हम कह दें कि बाहर ही एक बॉर्डर है. तब ये जो अंदर के जो सेल्स हैं इन पे जो बॉर्डर आ रहा है तब वो चीज़ नहीं आएगी. तो वो अभी सी एस एस में हम इस टॉपिक पे आएंगे तो फिर ये चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है. यस सर. तो देखो अब इसमें जैसे ये सारा हो गया. अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे मान लो मेरे को ये करना है कि जैसे दो लोग हैं अभी उनको एक और एंट्री दे देते हैं. इस पे मान लो मेरे को दोनों का ईयर सेम है ठीक है. दोनों का ईयर अभी यहाँ पर मान लो 3-3 है ठीक. ये चेंज कर देते हैं. अब मेरे को ये फील्ड दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखनी है ठीक है. तो अच्छा किसी ने रो स्पैन और कॉलम स्पैन का आइडिया है किसी को. किसी ने सुना उसके बारे में. यस सर. बीच की जो लाइंस रहती है सर वो खत्म हो जाती है और वो पूरा एक में लिख सकते हैं. कैसे खत्म होती मतलब मैं कहाँ पे दूं रो स्पैन. यहाँ दूं मेरे को. देखो सर आपका वीडियो लैग कर रहा है सर. मुझे अभी कोडिंग वर्ड लिख रहा है. यस सर. सर यहाँ पे सर अगर हम रो स्पैन देंगे सर ना तो सर ये 3 और 2 के जगह पे सर हम कुछ एक ही चीज लिख सकते हैं. एंड कॉलम स्पैन अगर देंगे सर तो 2 और 20 मतलब यहाँ पे का. ठीक है सही है सही है सही है. तो देखो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 3-3 दोनों के अलग नहीं लिखना तो यहाँ पे मैं इस वाले पे दे दूंगा. जैसे अभी हम कॉलम में दे रहे हैं तो कॉल स्पैन देंगे ठीक. कॉल स्पैन कितने का चाहिए मेरे को. जैसे इस अभी मैं इस वाले 3 पे मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ कॉल स्पैन की ठीक. मेरे को कितने का कॉल स्पैन चाहिए. 1, 2 का चाहिए मेरे को ठीक है. तो यहाँ मैंने 2 मेंशन कर दिया. अब मैं इस 3 को हटा देता हूँ अभी ठीक. कॉल स्पैन लो स्पैन तो इधर. तब देखो ये 3 यहाँ पे आ गया. मैंने सेकंड वाले में 3 नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे जब रो स्पैन दिया तो ये 3 इस कॉलम इस सेल का साइज बड़ा हो गया एंड ये दोनों के बीच में आएगा ठीक है. ऐसे रहता है. और अगर हम कॉल स्पैन दें तो जैसे अभी कॉल स्पैन था तो फिर मेरे को ये नेक्स्ट फील्ड देने की जरूरत नहीं रहती. देखो यहाँ पे जब कॉल स्पैन दिया तो इस कॉलम में 2 की साइज ले लिया इस सेल ने. तो ये है कॉल स्पैन में रो स्पैन कॉल स्पैन ये रहता है. और जैसे जो बॉर्डर वाली है तो अभी बॉर्डर का अभी टेबल पे पूरा है इस पे. और अभी जब सी एस एस पे आएंगे तो जो जिसने जो डाउट पूछा था वो एक बार क्लियर कर देंगे उसको तब ठीक है. अब जैसे मान लो हम बेसिक अभी हमारा हमने 2 टेक्स्ट दिए हैं ठीक है. मान लो H2 नॉर्मल दे देते हैं. हम 2 टेक्स्ट लिखे हैं जैसे हेलो एंड नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिख दिया वर्ल्ड ठीक है. मेरे को ये दोनों टेक्स्ट अभी न्यू लाइन पे चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो देखो मैंने न्यू लाइन पे दिए हैं दोनों नेक्स्ट लाइन पे. लेकिन यहाँ पे दोनों कंटिन्यूएशन में आ जा रहे हैं. तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं. जैसे कि हम जैसा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन चाह रहे हैं तो एक टैग होता है ब्रेक लाइन करके. ब्रेक रूल मेनली इसको कहते हैं ठीक.
तो ये टैग हम यूज करते हैं। जैसे इमेज का देखा था कि उसका क्लोजिंग टैग जरूरी नहीं है, वैसे ही सिमिलर इसका भी होता है कि क्लोजिंग टैग जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ब्रेक रूल दिया, तो अब देखो यहाँ इस पार्ट के बाद जितना मेरा टेक्स्ट था वो अभी नेक्स्ट लाइन में आ गया, वरना वो सेम लाइन में कंटिन्यूएशन में था। ठीक, और अगर मान लो मेरे को ब्रेक रूल, हाँ सर आप सही आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पे भी ब्रेक टैग था, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक, अगर मेरे को अब ब्रेक टैग भी यूज नहीं करना है, ब्रेक रूल यूज नहीं करना है, तो मैं कैसे इस टेक्स्ट को शो कर सकता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन पे है, कोई बता सकता है? जैसे अभी मैंने दोनों वर्ड्स को डिफरेंट लाइन में इधर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ सेम लाइन पे आ रहा है, तो एक तरीका तो बताया है अभी कि ब्रेक रूल यूज कर लो, कोई और तरीका है जिससे ये जैसा भी शो हो रहे हैं वैसे ही आ जाए? सर एक बॉडी में हेलो लिख के क्लोज कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे बॉडी में लिख सकते हैं? बॉडी एक सिंगल ही रहती है, बॉडी मल्टीपल नहीं बना सकते। ठीक है चलो, एक ने सही बोला पैरा, हम डिफरेंट पैराज यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने हेलो दिया एंड नेक्स्ट पैरा में हमने वर्ड दे दिया, एक वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, उससे भी हो जाएगा। एंड एक चलो एक और टैग होता है प्री टैग। ठीक, इस टैग में ये डिव पैरा दे सकते हैं, एक ये टैग भी होता है प्री टैग। ठीक है, इसमें ये रहता है कि जैसे मान लो जैसे मैंने इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है, तो मान लो ये एंटर प्रेस करके लिखा नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे अभी शो हो रहा है। देखो अभी यहाँ पे इतनी स्पेसिंग है, ये जो आगे की स्पेसिंग दोनों की, ये स्पेसिंग भी इसने कंसिडर की है। देखो अभी मान लो मैं यहाँ पे वर्ड के आगे और स्पेसिंग दे दे रहा हूँ। ठीक, तो अब देखो यहाँ वर्ड में आगे शिफ्ट कर गया। ये प्री टैग पे ये होता है, प्री टैग का मतलब कि हमने जो 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 टेक्स्ट इसके अंदर जैसे लिखा है वो वैसे का वैसे ही स्क्रीन पर शो हो जाता है। ये देखो जैसे जितना भी स्पेसिंग दिया है, इस पर स्पेस भी कंसिडर होता है। अगर मान लो यही सेम काम है पैराग्राफ टैग यूज करके करता है, ठीक, तब ये जो स्पेसिंग जो मैंने दी है, तब ये स्पेसिंग नहीं आ पाती। ठीक, तो ये होता है प्री टैग का। अब या तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं क्योंकि सेशन लंबा चल रहा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं इसके आगे से। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, श्योर सर, बात भी थैंक यू सर। थैंक यू सर, किसी को डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। तो पीडीएफ मिल पाएगा अंकल, टैग एक बार बता दीजिए फिर से सर। अभी ठीक है, देखो हाँ, जिसको डाउट्स नहीं हो वो लीव कर सकता है नॉर्मल। देखो पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ जैसे टॉपिक वाइज, जैसे जैसे हम टॉपिक्स एंड करते जाएंगे तो पीडीएफ उसका आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड एंकर टैग कोई पूछ रहा था ना? हाँ, ग्रुप टैग उत्कर्ष कंटिन्यू। फर्स्ट ईयर जिसको भी नेटवर्क इश्यू वजह से कुछ समझ नहीं आया होगा, तो तुम लोग जो ग्रुप्स बने हैं उसमें अपना टैग से रिलेटेड डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो तो उस ग्रुप पे तुम लोग पूछ सकते हो, जिसको भी नेटवर्क की वजह से नहीं समझ रहा है। बाकी अभी जिसमें ग्रुप में सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, आज थोड़ा इशू था सर, प्रॉपर्ली नहीं है सर। रिकॉर्डिंग का श्योर नहीं है, बट हां पीडीएफ मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग का अपलोड करके फिर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए मतलब थोड़ा टाइम चाहिए होगा कि जैसे 2 घंटे की मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो साइज ज़्यादा होगा, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी वो। तो आज की पीपीटी शेयर कर दीजिए। हाँ श्योर, जिसको अभी डाउट है। यहाँ पे आपने क्या हुआ सर, यहाँ पे आपने हेलो वर्ड्स के लिए प्री वो अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस फॉर्म नहीं है सर अभी तक, सर अटेंडेंस फॉर्म नहीं हुआ अभी तक के। ये सर वो ग्रुप में ज्वाइन होना है क्या? ग्रुप्स में नहीं ऐड हो तुम लोग? कौन नहीं ऐड है? नो सर।
सर मैं नाम है उसमें नाम है नहीं से किया था। हाँ तो सुनो बच्चों क्या कहते हैं तुम्हारे लिए क्या करते हैं तुम अपने ग्रुप में तुम्हारे वॉलंटियर्स बने उन्हें कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा वॉलंटियर्स एक बार बता देंगे कि दे आर द वॉलंटियर्स ऑफ रोबोटिक्स क्लब, वो तुम्हारे ब्रांचेस ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, कॉन्टेक्ट देम, दे विल कन्वे द मैसेज या मेरा नंबर तुम्हें दे देंगे, आई विल एड यू। ठीक है अगर किसी को इशू है अगर वो यहाँ रुका है तो अभी बता देते हैं वरना फिर वो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। संस्कार सर फिर से बता दीजिए, एक सेकंड को शो कर दे रहा हूँ। देखो प्री टैग में ये रहता है जैसे तुम कंटेंट लिखते हो जैसे 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 हाँ मैंने एंटर एंटर देके और कंटेंट लिखा है मतलब इतना जो स्पेस दिया है ठीक है ये टैग भी यहाँ पे कंसीडर ये टैग में स्पेसेस भी कंसीडर होते हैं देखो इतना स्पेस आ गया है तो मतलब प्री टैग इन शॉर्ट ये है कि नहीं यूज कर सकते हैं। क्या क्या कह रहे हो सर यहाँ पे ट्रिपल कोट्स नहीं यूज कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में कराने के लिए ट्रिपल कोट्स यस सर कैसे कहना चाह रहे हैं मतलब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन सर मैंने पाइथन पढ़ा था 12th में तो वहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराने के लिए ट्रिपल कोट हाँ तो देखो देखो पाइथन एंड इसमें मतलब लैंग्वेज में डिफरेंस रहता है लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से जैसे उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग तुमको जो नई लैंग्वेज है तो उसका अलग सिंटैक्स रहता है। जैसे पाइथन में तुमने ब्रेक टैग नहीं देखा होगा प्री टैग नहीं देखा होगा तो सबका एक अलग सिंटैक्स होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं ठीक। एंड एंकर टैग देखो एंकर टैग का ये है कि नॉर्मल तुम्हारा एक ए से रिप्रेजेंट होता है ठीक है एंकर टैग उसमें एच आर एफ में हम कोई भी यहाँ पे लिंक दे देते हैं यहाँ पे लिंक या तो हमारी एक किसी लोकल फाइल का लिंक हो या फिर हम किसी एक वेब पेज का भी लिंक दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस पेज का लिंक कॉपी किया एंड ये लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे देना है कि ये टेक्स्ट है कोई भी टेक्स्ट है ठीक मतलब नॉर्मल तुमने ए लिखा एच एफ में तुमने लिंक दे दिया कि तुमको कहाँ का लिंक शो करना है उस पर एंड उसके अंदर क्या टेक्स्ट क्लिक करने पे ये कंटेंट आए ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था तो टेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखो एक न्यू पेज खुल जा रहा है जिसपे ये सारा जो भी हमारा लिंक ऐड था वो ओपन हो गया ठीक है। इतना सा काम होता है एंकर टैग का कि रेफरेंस एक क्रिएट करता है। हाँ सर सर ये इसी पेज में खुल रहा है अगर ये एक्सटर्नल लिंक करना हो तो उससे क्या करेंगे? एक्सटर्नल लिंक करना हो तो जैसे इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है तो जैसे एक ये प्रॉपर्टी एचएफ है एक इसकी प्रॉपर्टी होती है टारगेट ठीक टारगेट जैसे ये है तो अभी हम इसको टारगेट जनरली हम अंडरस्कोर ब्लैंक ये देते हैं ठीक है जब भी हमको न्यू एक टाइप पे खोलना हो तो एक ब्लैंक टाइप पे खोलने के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक ये हम टारगेट देते हैं जनरली ठीक। तो ऐसे अब मैं इसको रिफ्रेश करके जैसे अब क्लिक करूँगा तो देखो अभी एक सेकंड देखना अभी यूआरएल पे ध्यान देना ये देखो अबाउट ब्लैंक खुलता है पहले पे टैब फिर ये लिंक ओपन होती है मतलब एक ब्लैंक टैग ओपन हुआ फिर ये ओपन हुआ ऐसे रहता है ठीक है। और किसी को कोई डाउट्स है सर HTML के हेडर में आपने मेटा टैग था वो मेटा टैग का देखो ये रहता है मेटा टैग जैसे मेन अभी तुम्हारा इतना काम का नहीं है मेटा टैग में बेसिकली तुम इंफॉर्मेशन देते हो अपना वेबसाइट्स का जैसे मैंने दे दिया एक सेकंड को मैं स्क्रीन शो करके बता देता हूँ। जैसे मेटा टैग में ये होता है कि जो SEO का नाम सुना है किसी ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी ने नाम सुना है तो उसके लिए बेसिकली जो मेटा टैग होता है
यहाँ पे जैसे हम अपना जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करें तो उसका हम यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, जैसे ऑथर मेटा टैग में मैंने एक ऑथर दिया और यहाँ अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो जैसे जो गूगल का मतलब मेन कंटेंट जो मेन पार्ट रहता है जो SEO का, तो उसमें ये रहता है कि वो लोग नॉर्मल वेबसाइट के मेटा जो टैग्स होते हैं, मेटा टैग में डाटा दिया होता है मतलब शॉर्ट कीवर्ड्स में कि तुम्हारे वेबसाइट का कंटेंट किस लिए है। तो ऐसे यहाँ पे मान लो मैंने वेबडी क्लासेस दिया, ठीक है, वेबडी दिया, तो गूगल में ये गूगल का मेन ये रहता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मान लो जैसे मैंने वेबडी दिया है, ठीक है, तो वो पिक करता है यहाँ से कि डिस्क्रिप्शन में किसके कीवर्ड यूज़ हुआ है वेबडी, उस अकॉर्डिंग वो तुम्हारे सारे वेबसाइट्स का लिस्ट करके रख देता है। तो मतलब मेटा टैग उस लिए आता है, उसका HTML में अगर तुम नॉर्मल ना भी दो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो मेन तुम्हारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है मेटा टैग। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ फिर सर जो वेब पेज का भी सोर्स है वो बैकेंड है या फ्रंट एंड है? वेब पेज का क्या व्यू सोर्स जो अभी ओपन मतलब जो अभी दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन पे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में जो आपने बताया था ना कि राइट क्लिक करके जो इंस्पेक्ट करते हैं या व्यू सोर्स, वो फ्रंट एंड है, वो फ्रंट एंड रहता है। जैसे तुम्हारा बैक एंड का ये रहता है, बैक एंड तुम ऐसे व्यू सोर्स करके नहीं देख सकते, जो व्यू सोर्स करके तुम देखते हो वो फ्रंट एंड होता है। जैसे अगर तुमको अभी मैं दिखाऊँ तो ये देखो, अभी जैसे जो मेरा कोड पढ़ा है अभी टेक्स्ट एडिटर में देखा ना ये, ठीक है, ये पूरा कोड पढ़ा है। अब मैं इस पेज का व्यू सोर्स ये ओपन किया हूँ, ठीक, देखो सेम वही पूरा फ्रंट एंड, सेम फ्रंट एंड, सिर्फ फ्रंट एंड शो होता है इससे। ठीक, थैंक यू। ठीक है, देखो फॉन्ट कैसे बदलेंगे वो बता दीजिए। फॉन्ट का अभी जब CSS पाएंगे तो फॉन्ट वाले पे भी आएंगे तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो इमेज टैग में सब वो जो लिंक देते हैं वो कैसे देते हैं? इमेज टैग में जैसे एंकर टैग देते हो तो उसमें HRF देते हो ना, तो इमेज टैग में वो होता है सोर्स रहता है कि तुम्हारा, कि तुमको बताता है कि तुम्हारी इमेज कहाँ से लेनी है। अब ये जरूरी नहीं है तुम्हारे लोकल सोर्स हो, तुम अपना वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो कि यहाँ से लिंक ले लो। तो मतलब जैसे जो एंकर टैग में एक HRF का काम होता है, वैसा ही सिमिलर काम इसमें सोर्स का होता है। जैसे एंकर टैग बस ये करता है कि इसमें तुम वेब पेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हो वैसे, ठीक, वेब किसी पेज का लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। और सोर्स में ये है इमेज का सोर्स में कि जैसे इमेज तुमको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है तो उसका तुमने सोर्स दे दिया कि यहाँ पे इमेज है, उसको तुम यहाँ यूज कर लो, ये रहता है इमेज टैग। और सर इसमें अल्टरनेट जो है उसका क्या इस्तेमाल होता है? जैसे मान लो हमारा कि अभी मैंने इसको लोकल की जगह मैं किसी वेबसाइट की लिंक दी यहाँ पे, ठीक है, अभी वहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, ठीक, तो अगर वहाँ से इमेज मान लो इन फ्यूचर वो इमेज हट गई, तब एक ब्लैंक आइकन आने की जगह, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसका नाम बदल दिया इमेज का, तो यहाँ एक ब्लैंक आइकन आने की जगह यहाँ पर लिख के आ जाए कि क्या थी वो इमेज, तो इसलिए अल्टरनेट टैग देते हैं हम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछ? हाँ सर, सर एक एंकर प्रॉपर्टी ये जो लिंक के कलर ऐड होते हैं उसमें, वो भी उस पर भी आएंगे अभी। वो सब मेन देखो जो कैसे जो कलर डिसाइड का होता है, फॉन्ट का होता है, वो सब CSS का पार्ट आता है। HTML में ये होता है बेसिक तुम्हारा स्ट्रक्चर वेबसाइट का, ठीक, और CSS ये रहता है कि वो उसकी वो कैसा दिखेगा, वो तुम पे मतलब कैसा तुम उसको देखना चाह रहे हो, तो वो CSS पे आता है। तो अभी जब CSS पे आएंगे हम तो इस पार्ट पे भी आएंगे। ओके सर।
संस्कार सर, सर अब थोड़ा सा आराम करते हैं सेशन, क्योंकि हम लोग को भी आगे मीट करना है। तो ठीक है सारे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं यहाँ पे इस वक्त, जो भी आज आपको बताया गया इस क्लास में, इट इज एक्सपेक्टेड कि आप ये चीजें खुद से जाके अभी इसके बाद ट्राई आउट करेंगे, इंटरनेट पे थोड़ा इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी, और कोई भी डाउट अगर आगे फर्दर आता है तो आप जिस भी रेस्पेक्टिव ग्रुप में हैं आप वहां पर पूछ सकते हैं डाउट, तो वहां पे आपका जो भी डाउट या क्वेरी होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा होपफुली। ओके तो अब आप लोग सेशन लीव कर सकते हैं, और फर्दर डिटेल्स जो भी नेक्स्ट क्लास की होंगे वो भी आपको वही ग्रुप पे ही मिल जाएगी। डेली इसी टाइम पे सबको आना है व्हाट्सएप ग्रुप पे। हां बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली इसी टाइम पे आना है। जो 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 भी यहां पे एनरोल्ड नहीं है अभी वो अपने ब्रांच के रिस्पेक्टिव आरसी के वॉलंटियर से कॉन्टेक्ट करेगा, उनको वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वरना किसी एक आरसी मेंबर से कॉन्टेक्ट कर लेना। हाँ अब तो हम लोग ग्रुप्स में भी हैं तुम्हारे सामने, टेलीग्राम पे भी हैं, हर जगह है, कॉन्टेक्ट कर लो। और वी होप कि आज का सेशन अच्छा था तुम्हारा। जी सर। डेली इसी तरह आना। यस सर। ठीक है, और डाउट अपने पूछो। ठीक है। यस सर। जितने डाउट्स। हाँ हाँ हमारे यहाँ तरफ से कहीं कोई लैक हो रहा है तो आप जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि अगले क्लास से उस चीज को आपके लिए और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, बस एक दो क्लास चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग केपेबल हो जाओ, अंडरस्टैंड कर लो क्या क्या टाइप सीख होते हैं, तो फिर आपको छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाएंगे। थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, फर्स्ट ईयर यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जूनियर्स। अच्छा सारे लोग जो भी हैं यहाँ पे, आई थिंक शायद थर्ड सेकेंड ईयर के जो भी सारे लोग हैं सभी को मैत्री मैम ने स्लॉट वन वाले सेशन वन वाले मीट पे बुलाया है कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो सारे लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लें। लिंक कंबाइंड रोबोटिक्स वाले ग्रुप पे लिंक डाल दिया है, तो सब लोग इसे लीव करके उधर ज्वाइन कर जाएं। अरे ये रिकॉर्डिंग कैसे वो होती है, सेव कैसे होती है, किसी को आइडिया है? रुको मैं करते रहो, स्टॉप करते रहो मैं।